الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير صدق الله العظيم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے پھر جب تمہاری نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین قلبِ عاشق ہے اب پا
अलविदा अलविदा माहे रमजान, कल्बे आशिक है अब पार पारा। अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ा, अलविदा सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा खूब सहरी की रौनक भी होती। सारा सामा हुआ सोना सोना, अलविदा सके। आह इसिया में ही दिन कटे हैं, हाय गफलत में तुझको गुजारा। जाओ हाफिज खुदा है तुम्हारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान,
हश्र में हम को ना भूल जाना, रोजे महशर हमें बख्शवाना। अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमजा, अलविदा चांद आहिस्ता चल, अभी इबादत करना बाकी है। ए चांद आहिस्ता चल, अभी इबादत करना बाकी है। कुछ गुनाह हैं जिनकी अभी मग़फ़िरत करना बाकी है। कुछ अपने हैं जिनके लिए दुआएं भी करना बाकी है। कुछ गैर हैं जिनके दिलों में प्यार बसाना बाकी है। कुछ फर्ज हैं जिनको अदा करना बाकी है। कुछ तोबा करना बाकी है, आंसू बहाना बाकी है और रब को मनाना बाकी है। ए माहे रमजान आहिस्ता चल, अभी तो बहुत कर्ज चुकाना बाकी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद फरहान अली वारिस की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस टीवी की खसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आज माह रमज़ान का अलविदाई जुम्मा है। जुम्मा एक तो वैसे ही बरकतें लेकर आता है, सैयदुल अय्याम है। हफ्ते के जो 7 अय्याम हैं उसका सरदार है यौम जुम्मा। आम तौर पर हम जुम्मे की तैयारी किया करते हैं और तैयारी करने का हुक्म यह है कि गुस्ल किया जाए, ख़ास तौर पर पाक साफ रहा जाए, इतर लगाया जाए और उसके बाद जब नमाज जुम्मा अदा की जाए तो उसके बाद अपने रिश्तेदारों से, अपने अहबाब से, अपने पड़ोसियों से मिला जाए, उनका हाल अहवाल पूछा जाए और इस जुम्मे की इबादत बहुत ज़्यादा अफजल है। और जुमे के दिन दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। और फिर सोचिए कि ये जुमा हमें रमज़ानुल मुबारक में मिल जाए और फिर वो जुमा जो जुम्मतुल विदा आखिरी जुमा रमज़ान का, तो इसको हमें किसी भी तरह ज़ाया नहीं होने देना इस दिन को। यानी ईद करीब है, एक खुशी भी है और गम है कि रमज़ान जा रहा है। एक ऐसा गम और ख़ुशी का इम्तिजाज है कि जो हर मुसलमान के दिल पर एक बोझ है दुख का कि रमज़ान जा रहा है। मगर इस ईमान के साथ हर मुसलमान ज़िंदगी गुजारता है कि चाहे दिन कम ही क्यों ना रह गए हो, मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। और जुमे के दिन के बारे में आपको बताऊं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुमे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी खमीर की गई, जुमे ही के दिन सूर फूंका जाएगा और दोबारा उठाया जाएगा और जुमे के दिन दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो कबूलियत का वक्त जो नमाज जुम्मा के वक्त
जो पेश नमाज हैं, जब वो मिंबर पर बैठते हैं, मिंबर से उतरने के दरमियान तक का जो वो वक्त है, वो ख़ास वक्त होता है कि जो बड़ा कबूलियत का वक्त होता है। बाकी इंशाअल्लाह तफसील में हम उलमा कराम से जुम्मतुल विदा के हवाले से बात करेंगे। अभी जैसे कि तिलावत कुरान पाक में कारी मोहम्मद हुसैन अराई साहब इरशाद फरमाए थे कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, जब जुमे के दिन नमाज जुमा की अजान दी जाए तो फौरन तैयारी कर लो अल्लाह के जिक्र की तरफ और खरीदो फरोख छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम जानते हो। सूरह जुमा की तिलावत कर रहे थे कारी हुसैन अराई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक। जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान मुबारक भी। मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। आज क्योंकि आ चुके रोज़ जुम्मा है और अलविदाई जुम्मा है, तो मौलाना साहब ने आज इब्तदा में हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे कंटेंट सारा देखते हैं एक्सप्रेस का, यानी हर वो बात जो तस्दीक शुदा हो उस पर उसको वेरीफाई करना, देखना कि कोई ऐसी बात ऑन एयर ना हो कि जो मुस्तनद ना हो, या कोई ऐसी बात कि जिस पर किसी की दिल आज़ारी हो उसको रोकना और अच्छी बातों को फ़रोग देना। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज की ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। साथ ही हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, यानी जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में जब सिद्दीक़ इस्माइल साहब आए या फसीउद्दीन सुहरावर्दी साहब आए, तो मैंने एक बात कही थी कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जिनकी आवाज़ें जैसे खुर्शीद अहमद साहब, कारी वही सफ़र कासमी साहब, इसके साथ साथ एक आज ऐसी शख्सियत हैं कि वो भी इस सफ में शामिल हैं कि जब इनकी आवाज़ सुनी जाती है तो हमें ये पता चल जाता है, हम कैलेंडर देखें ना देखें, रबीउल अव्वल या रमज़ान शुरू हो गया है। यानी रबीउल अव्वल की जो वाइब्स होती हैं या जो रूहानियत होती है, जो रमज़ान की रूहानियत होती है, ख़ास तौर पर ये दो महीने ऐसे हैं कि इनकी आवाज़ें सुनने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब रबीउल अव्वल शुरू हो गया है, रमज़ान मुबारक आ गया है। बेशुमार कलाम इनके आपने सुने भी हैं और हमने इस ट्रांसमिशन में पढ़े भी हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, और इसके साथ साथ ही लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मुझसे मेरी मुराद है मोहतरम जनाब सबी रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो एक और खूबसूरत ट्रांसमिशन आपके नामा आमाल में लिखी गई, इसकी मुबारकबाद कबूल करें। बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सलाहियतों का इजहार किया, अकीदतों का इजहार किया, और एक्सप्रेस टीवी को भी बहुत बहुत मुबारक कि नहायत खूबसूरत ट्रांसमिशन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मौका मिला कहीं वक्फों में देखने का। बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। आपका आना भी हमारे लिए, और फिर रोज़े जुम्मा और जुम्मतुल विदा आप आए तो हमारे साथ बहुत सारी खुशियाँ आ गई। सबी रहमानी साहब भी हमारे साथ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि बहुत अरसे पहले ही आपके बहुत सारी जगहों पे कमिटमेंट हो जाते हैं और फिर वादा जहाँ हो जाए वहाँ आप लाजमी जाते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त आज का दिन हमें दिया। जहाँ मुझे ये पता चले कि मेरा छोटा भाई फरहान अली वारिस मौजूद है, वहाँ पर आना एक और हवाले से भी अहमियत रखते हैं। ये आपकी मोहब्बत है। और जब ए प्लस पे हम ट्रांसमिशन कर रहे थे 2018 में, तब भी अब लाहौर स्पेशली 5 दिन के लिए तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सभी भाई, मैं चाहूँगा कि इब्तदा करें कि अगर आप काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखो आए अशकों सरों का समंदर,
जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, सभी भाई माशाल्लाह आपकी आंखों में अश्क हैं और यकीनन ये कबूलियत की सनद होती है। और मैं ये समझता हूँ कि कलाम, हर कलाम ही ज़ाहिर है ख़ुद से इंसान नहीं लिखता, लिखवाया जाता है वहाँ से। और ये ख़ास तौर पर ये इसमें कुछ कलाम ऐसे होते हैं जिसमें वो पुकार पुकार का कह रहा होता है कि ये लिखवाया गया है। यानी जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, और जितनी बार मैंने भी इस कलाम को पढ़ा, तो वो लोग जो कभी खाना काबा नहीं गए, ज्यारत नहीं हुई जिनकी, उम्रा और हज नहीं किया, वो लोग ये कहते हैं कि इस कलाम को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि विजुअली हम वहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जब किसी पर फजल फरमाता है तो उसे ज़िक्र की तौफीक अता फरमाता है। ज़िक्र करने वालों को ज़िक्र की हलावत का अंदाज़ा है। शुआरा को जब हिस्सा मिलता है तो कुछ चीज़ें उनके कलाम में उनकी शऊरी कोशिश से, अक़ल से, शेरी मश्क से वजूद में आती हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह अपनी रहमत से वैसे ही दामन में डाल देता है, बेशक बेशक। इसलिए दामन में डाल देता है कि अल्लाह को उस ज़ात के लिए कोई नफ़ा पहुंचाना मकसूद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दामन में बैतुल्लाह में डाला इस दुआ के नतीजे में कि मौला शेर कहे बहुत दिन हो गए। अब वो तो दुआ वहाँ कबूल हो गई, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे अजीम शान इज्तिमा में जिसका मजमा 10 लाख से कम नहीं था, माशाल्लाह, जब मैंने वहाँ ये खड़े होकर पढ़ा और वो 10 लाख का मजमा साथ अल्लाह अकबर कहने लगा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्यों मिला है मुझे। क्योंकि जब एक मरतबा आप अल्लाह अकबर कहें और लोग आपके साथ अल्लाह अकबर कहें, और हम तो चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन ये अल्लाह अकबर का जिक्र रहेगा, बेश ये हमद इज्तिमाई मिजाज का हिस्सा बन गई रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बैतुल्लाह जाएगा उसे ये कलाम याद आएगा। तो इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी नेमत हुजूर के जिक्र की सना खानी में और क्या चाहिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब मौजूद हैं और आज पहली बार हमारी ट्रांसमिशन में हमें सआदत हासिल ही वरना ये इम्तियाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माज़रत चाहता हूँ, मुफ्ती इम्तियाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये 30 दिन हमारे साथ इसी तरह बैक कैमरा रहते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ जुम्मतुल विदा के हवाले से कुछ आप शायद फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फरहान भाई, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पैदा किया और इस कायनात के अंदर आने का मकसद, यानी कोर ऑफ इस्लाम जिसको अगर मैं कहूँ ना, तो वो ये है कि द बेसिक कोड ऑफ इस्लाम, द बेसिक पर्पज़ ऑफ इस्लाम इज़ टू बिल्ड अप अ वाइब्रेंट लिविंग एंड डायनेमिक रिलेशनशिप विद अल्लाह। डेफिनेटली, ये बुनियादी मकसद है कि अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाए इंसान का जो डायनेमिक भी हो, वाइब्रेंट भी हो और दोनों तरफ से हो, लिविंग हो,
जिंदा ताल्लुक हो और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ मौके देता है। उन्हीं मौकों में अल्लाह ताला ने एक मौका रमज़ानुल मुबारक का दिया है। मुसलमानों की लाइफ में रमज़ानुल मुबारक की बहुत अहमियत है और एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ अहमियत की हामिल होती है, इसको डिटरमिन किस तरह किया जाए, पता कैसे लगाया जाए कि मुसलमान की ज़िंदगी में कौन सा अमल ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो याद रखिए कि वो अमल जो मुसलमान की ज़िंदगी में अहमियत का हामिल होगा, एक मुसलमान ख़ुद तहिया कभी भी नहीं करेगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला बज़रिया वही ख़ुद उसको बता देता है कि तुम्हारे लिए कौन सा अमल ज़्यादा बेहतर है और कौन सा अमल ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो रमज़ानुल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, और क्यों ना हो कि इसी के अंदर एक ऐसी रात रखी कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ऐसी लैल है, ऐसी रात जो हज़ार महीनों से भी अफजल है। और इन्हीं आखिरी अशरे में जाकर एक अशरे में आ जाता है जुम्मतुल विदा। जुम्मतुल विदा एक ऐसा जुम्मा है, वैसे तो ये जो जुम्मा होता है इसको आम दिनों से फजीलत हासिल है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में चूँकि ऐसी सातें होती हैं जहाँ रहमतें बरकतें होती हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की बरकतें और नेमतें जोबन पर होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस जुम्मतुल वदा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगना, इस्तग़फ़ार करने चाहिए। नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं। अब ये बज़्म सजी हुई है, मौलाना आज़ाद जमील साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हुसैन आरानी साहब भी और सबीर रहमानी साहब भी मौजूद हैं, मौलाना इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं। देखते रहिए प्यारा रमज़ान, आते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। हमारी बज़्म सजी हुई है, सबीर रहमानी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हुसैन आरानी साहब भी तशरीफ़ फरमाए और हर दिल अज़ीज़ मौलाना आज़ाद जमील साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, सभी ने इस हवाले से गुफ्तगू फरमाई कि जुम्मतुल विदा के हवाले से, इसकी फजीलत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व सल्लम अला रसूलिल करीम व बाद। फरहान भाई, जिस तरह रमज़ान के पहले जुम्मे की फजीलत है और जिस तरह दूसरे की और तीसरे की, बेआइन ही सेम चौथे जुम्मे की भी वही फजीलत है। यानी फजीलत के एतबार से, मर्तबत के एतबार से इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में हम ये देखते हैं कि जब आखिरी जुम्मा हो तो थोड़ी सी वो कैफियत तब्दील होती है, वो इस लिहाज से भी कि हम रमज़ान को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब मैंने लफ्ज़ हम रमज़ान को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस एतबार से वो जो एक जुदाई का गम और कैफियत, कब अक्सर बसा औकात हमने ये चीज़ महसूस की कि बाज़ लोग एक चीज़ खोने के बाद उसके जो इज़्तिराब का जो कर्ब है वो महसूस करते हैं, जो वो चीज़ आखिरी मराहिल में होती है। और बिलखसूस हमारे यहाँ ये एक कल्चर वाइज एक चीज़ आम है कि अब तो टाइम पड़ा हुआ है, अब तो टाइम पड़ा हुआ है, अब तो देखा, चाहे वो उम्र के एतबार से हो, जवानी के एतबार से हो, वो इबादत के एतबार से हो, हत्ता के रमज़ान के एतबार से भी हो, कि अब तो टाइम पड़ा हुआ है। तो उस टाइम में देखें 25 दिन गए और जुम्मतुल वदा, वो आखिरी जुम्मा भी आ गया, तो ये इस बात की घड़ी है कि हो सकता है ये वो जुम्मा हो जो वापस कभी ज़िंदगी में लौट के ना आए। और ये जो अलविदा के साथ हम जो मगमूम होते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि इसके साथ हमारी रियाजत भी अलविदा हो जाती है, इसके साथ हमारे मांगने में जो एक कैफियत बनती है पूरे रमज़ान, वो भी अलविदा हो जाता है। इसके साथ ही जो हमारी रियाजत होती है, कुरान से ताल्लुक़ होता है, कुरान भी बंद होकर अलविदा हो जाता है। जिस तरीके से रोज़ सुबह दोपहर शाम हमारी एक कैफियत में थोड़ी सी पाबंदियाँ होती हैं, हम उनसे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, हया भी अलविदा हो जाता है, गैरत का भी जनाजा निकल जाता है, और हम में से जो सिद्क़ व अमानत है उसको भी अलविदा कर दिया जाता है, जो
थोड़ी सी दिल में खशियत आती है उसको भी अलविदा कर देते हैं, जो अखलाकी चाहे वो टेम्परेरी क्यों ना हो उसको भी अलविदा कर देते हैं, मस्जिदें हमारी अलविदा हो जाती हैं नमाजियों से, और ये जो कैफियत पुरसुरूर कैफियत और पुरकैफ ये माहौल हम देखते हैं उसमें अजीब सी एक रौनक छीन के ना जिस तरह एक जिस्म से रूह निकल जाती है, और उस एतबार से चाहे वो फिर ट्रांसमिशंस हों उसमें से वो जब आप खोलेंगे तो वो मंजर नहीं होगा, वो रमज़ान के लोगोज नहीं होंगे, वो फरहान अली वारिस जैसे होस्ट वो स्टेज पर जलवा अफरोज नहीं होंगे, वो इस तरह से भागम धोड़ी में आना और एकदम सहरी के लिए उठना, और वो कैफियत आपको पता है रमज़ान के बाद कुछ खाते हुए दिन में लगता है अरे यार रोज़ा था, तो कैफियत थोड़ी तब्दील हो जाए, वो आदत जो है ना वो फितरत में कुछ अरसा पेवस रहती है उसके बाद फिर वो जो प्यास की तलब थी वो भी ख़त्म हो जाती है, भूख की तलब थी वो भी ख़त्म हो जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि रमज़ान जैसे कि आया और चला गया। तो मैं तो बात तवील करता लेकिन जो मुकर्रम और मुअज़्ज़म मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है जिसकी वजह से मैंने अपने अल्फाज भी बहुत तेज़ से इस्तेमाल किए ताकि हमें तशनगी है क्योंकि अगले सेगमेंट में आपसे हम तफसील से सुनेंगे, ये आपने वादा करना तो भी जाना नहीं है। मैं तो शुरू में मेरी फर्स्ट ट्रांसमिशन थी तो आज से 8-9 साल कबल की बात है, 10 साल का करीब अरसा हुआ है, तो मैंने रहमानी साहब को जब सुना तो मैं हकीकती मैं मेरे सामने हैं और सामने तो तारीफ़ नहीं कहनी चाहिए लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जिनके सामने तारीफ़ कहना मेरे ख्याल में ज़्यादा इनसे मौका आमने सामने का कम मिलता है। तो मैं रहमानी साहब से उसी कलाम की फरमाइश करूँगा जो आपने उसी ट्रांसमिशन में, मैं नाम नहीं कोट करूँगा लेकिन आपने जिस तरह से उस ट्रांसमिशन में 4 चांद लगाए थे, मैं चाहता हूँ कि हमारी एक्सप्रेस की ट्रांसमिशन से भी प्यारा रमज़ान में आपका वो प्यारा कलाम अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ जी। अच्छा सभी भाई, एक तो फरमाइश इनकी भी है, एक फरमाइश हमारी भी है। देखिए माशाल्लाह आपको ये सादत हासिल है कि सभी सना खान अपने अंदाज से बेहतरीन ड्यूटीज़ कर रहे हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया पेश कर रहे हैं और अपनी सारी ज़िंदगी सब ने इसी में वक्फ कर दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके अलावा और भी सादत हासिल होती है, जैसे कि आपके बहुत सारे बेशतर कलाम ऐसे हैं कि जो आपने ख़ुद ही लिखे हैं, तो माशाल्लाह एक अच्छे शायर भी हैं, एक अच्छे मुसन्निफ़ भी हैं, तो आप ही का लिखा हुआ एक कलाम मैं चाहूँगा कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, ये ज़रूर पढ़िए, और कुछ कहना चाहें तो ज़रूर। एक फरमाइश में भी अगर कर दूं। जी जी, इनका लिखा हुआ एक कलाम ऐसा है कि जो भी हरमैन तैयबैन की ज़ियारत करके आ चुका है आ चुका है और वो अकेले में बैठ के अगर वो कलाम सुने तो वो आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता। खुशा वो दिन। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। जी सभी भाई, मैं कोशिश करता हूँ। हुज़ूर Allah Huzur
नाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नजर से चूम से चूम लो एक बार सब्ज गुंबद को भला से फिर मेरी दुनिया जज़ाकल्ला। एक कलाम की फरमाइश जो मौलाना साहब ने मुझे अपनी रहमत के समर्द में उतर जाने दे। बस अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर। सभी भाई यकीन करें दिल ही नहीं भर रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि बस आपको सुनते रहें, लेकिन चूंकि आपकी जो मजबूरी है कि आपने ज़ाहिर है एक जगह और वादा किया है वहाँ पहुँचना, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा जाते जाते एक और कलाम आप पढ़ दें। आखिरी कलाम से मुराद सिर्फ इस बज़्म का आखिरी कलाम, वरना आपको खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र दे। लेकिन आपका जिक्र किया तहे दिल से, मैं एक्सप्रेस टीवी की जानिब से अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका। आखिरी कलाम के दो तीन शेर हाजिरी के बाद जाहिर जो कुछ लेकर आता है उसकी यादों में कैसे महकता है। तवाफ करता था परवार कर
जैसे मेरे पाँव में था, खुद आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और इसी तरह बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप सब ज़ाहिर है एक सेगमेंट का इंतज़ार करते हैं, जो कि सेगमेंट है प्यारा कैसा लगे, जिसमें डॉक्टर हिना हमारी रहनुमाई और आपकी रहनुमाई फरमाती हैं कि हेल्थ के हवाले से कि हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी सेहत बेहतर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अमूमन ख़वातीन में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और जिसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जिसमें मोटापा यानी वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कमर के इर्द गिर्द चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना, इररेगुलर मंथली साइकिल्स का हो जाना, फेस पे फेशियल हेयर्स का बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्नी का हो जाना, स्किन पे पिगमेंटेशन का हो जाना, इनफैक्ट इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी का हो जाना, मूड स्विंग्स का होना, और बहुत सारे हेयर फॉल का होना, और बालों में गंजपन का भी बहुत ज़्यादा हो जाना, तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं इस एक बीमारी की वजह से। और इसकी वजूहत की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, अनकंट्रोल रहता है, इसमें आपको डायबिटीज़ भी हो जाती है, और इसकी वजह से ये टीनेज बच्चियों में भी हो जाती है। ठीक है, ये 12-13 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है अक्सर लड़कियों को। ये रेसिपी आप बताएंगे? मैं दो चीज़ें बताऊँगी इसमें। एक आपका सबसे बड़ी, तो इसमें डाइट का कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें अमूमन वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ, मैंने कहा ना बच्चियों में ही शुरू हो जाती है, 13-14 साल की लड़कियों में भी ये बात, इसमें ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और हमारे पास क्लिनिक में माएँ अपनी बच्चियों को भी लेकर आती हैं कि वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनका वेट कम नहीं हो रहा होता, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एक्नी आ रही होती है, 12-13 साल की बच्चियों के फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, आवाज़ भारी हो रही होती है, मर्दों जैसी आवाज़ आ रही होती है। तो ये बच्चियों के लिए भी ये रेमेडियाँ हैं, यानी 12 साल की 11 साल की बच्चियाँ भी ये खा सकती हैं और इस तरह का लाइफस्टाइल कर सकती हैं, और बहुत ही बेहतरीन इसके आएंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये हर औरत हर एज में इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, इसको शुरू कैसे करें? तो शुरू बहुत, सबसे पहले मैं खाना एक रेमेडी बता रही हूँ, चूल्हा जलाएं आप। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 ग्लास पानी, ये करेगा आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा, आपके दिन भर के हॉर्मोन्स हैं उसको रेगुलर करेगा। ठीक है, 1 ग्लास हल्का नीम गर्म पानी हो जाएगा, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर होगा, और ये जो है ये 1 ग्लास पानी में जो मैं तमाम चीज़ें डाल रही हूँ, ये पूरे दिन की एनर्जी को बेहतर रखेगा। ये उन खवातीन के लिए भी बहुत बेहतरीन है जिनके हॉर्मोन के साथ साथ उनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट रहता है, पेट के इर्द गिर्द चर्बी रहती है। अच्छा। और ये हर एज की औरत इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, और ये वाली रेसिपी तो मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या डलेगा, 1 टीस्पून डलेगा देसी घी, 1 टीस्पून डलेगा काओ का देसी घी। ठीक है, काओ का जरूरी, काओ देसी घी, जी जी, 1 टीस्पून भैंस का भी होता है ना, हाँ, लेकिन काओ देसी घी, काओ देसी घी। 1 ही टीस्पून डलेगा अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा पाउडर एक, अच्छा इसमें लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर भी है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए या तस्वीर खींच लीजिए रेसिपी कार्ड की, ताकि आपको आसानी रहे। बिल्कुल, और 1 ही टीस्पून डलेगा आंवला पाउडर, इंडियन गूसबेरी कहते हैं आंवला पाउडर। ठीक है, और 1 ही टीस्पून इसमें डलेगा शहद, रॉ हनी,
बेरी का शहद अगर आसानी से मिल जाता है, बेरी का शहद, बेरी ही का शहद जरूरी होता है ना, कि वो छोटी मक्खी का। मैं इसको बच्चों की तरह खोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इसको खोलने का। थैंक यू। ये कलम कहाँ कहाँ काम आता है। मुझे स्कूल का जमाना याद आ गया। अच्छा मैं पूछा था बेरी ही का शहद जरूरी, इसमें बेरी का शहद जरूरी है या सिद्धर शहद, ये दोनों शहद की भी बहुत सारी इसमें क्वालिटीज होती हैं। सिद्धर शहद तो बेरी ही का कहना है। हाँ यही, हाँ सिद्रा, सिद्रा का शहद। तो ये दोनों शहद इसमें ये डालेंगे। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मैं रिपीट कर देती हूँ। एक टीस्पून आमला, एक टीस्पून शहद बेरी का शहद, एक टीस्पून देसी घी और एक ही टीस्पून गाय का देसी घी और एक ही टीस्पून अश्वगंधा और हल्का सा ये गुनगुना पानी है। इस पानी को मैंने उबाल के तेज गर्म नहीं किया, ये डाल देंगे जिससे गार्गल या गरारे करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसको दिन में एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। रात को सोते हुए अगर आप इसको पी लेंगे यानी डिनर के एक घंटे के बाद तो ये बेहतरीन है, और या अगर आप दिन में भी पीना चाहें सुबह के वक्त तो भी ये बेहतरीन है। दिन में लेकिन एक बार, एक बार, एक बार आपने इसको किसी भी वक्त एक बार पी लेना है, सुबह के वक्त या रात के वक्त, ठीक है ना, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है, क्या नाम है आपका? जी मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, मेरा नाम खदीजा है। जी खदीजा कैसी हैं आप? ठीक हैं। गुजरांवाला में कैसे हैं सर? जी शुक्र मौला। अच्छा जी फरमाइए क्या कहना चाहेंगी बहन? मैंने डॉक्टर सिन्हा से बात कर रही है। जी जी जरूर कीजिए। जी कहिए। जी जी बात कीजिए, आप डॉक्टर सिन्हा आपसे बात कर रही हैं। हेलो। जी हेलो फरहान भाई। जी जी आप बात कीजिए, डॉक्टर सिन्हा आपकी आवाज सुन रही है, आप बोलिए। मुझसे पहले आपसे बात करनी है। अच्छा जी बोलिए फरमाइए। मुझे आपसे बात ये करती है कि मैं यकम रमजान से आपको कॉल कर रही हूँ और मैंने फरमाइश करनी है आपसे। जी बोलिए। मैंने फरमाइश ये कर दी है कि आप पढ़ते हैं मदीने का मुसाफिर हूँ, जी जी पढ़ दीजिएगा। जी मैं जरूर पढ़ूंगा, अभी वैसे हमने ट्रांसमिशन में पढ़ी। और आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूं मैं आपकी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ये आप सब की दुआएं ही हैं, आप सब इतनी दुआएं देते हैं, बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हक में बेहतर होती हैं, तो आप इसी तरह हमें दुआएं देती रहें और बस अब इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ते रहेंगे। अब डॉक्टर हिना से आप क्या पूछना चाह रही हैं बताइए। मैं डॉक्टर हिना से ये पूछना चाहती हूँ कि 22 साल में जो है और ना मुझे हड्डियों का मसला है, हड्डियाँ बहुत कमजोर हैं। अच्छा। तो जब कोई काम करती हूँ तो ना आवाज आती है हड्डियों से। ओके समझ गया, हड्डियों से आवाज आती है, कड़कड़ाहट की, सही है। और इससे पहले क्या बालों का कोई मसला बताया आपने, वो आवाज थोड़ी सी? बालों का भी मसला है, बाल माशाल्लाह मेरे बहुत ज्यादा लंबे हैं पर कमजोर हो गए हैं। ठीक इनका क्या इलाज है? ठीक है, अभी डॉक्टर इना से बात कीजिए, आप पूछेंगी आपसे कोई सवालात और फिर उसके वाले से आप। अच्छा अच्छा, हड्डियों में से जो आपकी आवाज़ है अभी जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये अश्वगंधा देसी घी और सिद्धर शहद और आमला, ये जो मुरक्कब ये जो अभी मैंने बताया है ना, ये हाई इन विटामिन डी भी है, तो ये आप पियेंगे ना तो आपकी हड्डियों का जो भुरभुरापन है ये भी बेहतर हो जाएगा। तो इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपकी हड्डियों से आवाज़ आना तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप ये जो सफ़ेद मखाने का पाउडर है वो भी एक टेबल स्पून रोज़ इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल कर लें, या वैसे ही इसका सफ़ूफ आप इस्तेमाल कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। बालों के बारे में आप क्या बता रही थी, आपको समझ बाल है? इनके कह रही कि बाल बड़े हैं लेकिन कमज़ोर हो गए। अच्छा कमज़ोर हो गए। रोज़मेरी एक हर्ब मिलती है, उसका आपने अर्क निकाल लेना है, यानी एक कप पानी में आपने रोज़मेरी का पत्ते डाल के उसको उबाल लेना है, उसमें आपने लहसुन के दो तीन जवे डाल देने, बस इनको अच्छी तरह पका पका के हाफ कप पानी कर लेंगी, एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेंगी, रोज़ रात को आपने सिर्फ वो स्प्रे करना है अपने बालों में और छोड़ देना है। ये चिपचिपा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। सुबह आपने किसी भी अच्छे हेयर फॉल शैम्पू से आपने अपने शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, देखेंगे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। अच्छा अब ये जो एक तो रेसिपी कार्ड भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है नाज़रीन, अच्छा जो डॉक्टर हिना बताती हैं मुमकिन है कि उस वक्त आपको उस वक्त जल्दी जल्दी में समझ में ना भी आता हो क्योंकि एक सेगमेंट का एक टाइम होता है, ये एक्सप्रेस की जो फेसबुक है और यूट्यूब है दोनों पे ही ये वीडियो अपलोड हो जाती है, सेगमेंट अपलोड हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप आसानी से आराम से इसको
फॉलो कर सकें, और डॉक्टर हिना के पेज को और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, और हमारा जो फरहान लिवारिस पेज है और यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका पेज भी बता दीजिए ताकि लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे करें। मेरा हिना द न्यूट्रिशनिस्ट का इंस्टाग्राम पे पेज है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे हिना अनीस का पेज है, और HN वेलनेस कॉन्सेप्ट क्लिनिक का पेज है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी HN वेलनेस कॉन्सेप्ट और डॉक्टर हिना अनीस के नाम के दो चैनल्स हैं, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ HN वेलनेस कॉन्सेप्ट गूगल पे वेबसाइट के तौर पे भी मौजूद है, HN वेलनेस कॉन्सेप्ट क्लिनिक भी है गूगल पे, एड्रेसेस भी मौजूद हैं DHA फेज 6 कराची में और DHA फेज 2 इस्लामाबाद में मौजूद है। तो गूगल पे HN वेलनेस कॉन्सेप्ट के एड्रेसेस हैं, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं और इसी तरह एक्सप्रेस पे भी है। अच्छा, दूसरी है PCOS के हवाले से, क्योंकि PCOS में ख़वातीन की मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक दफ़ा अगर साइकिल्स रेगुलर हो जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल्स का हल खुद ही ठीक हो जाता है। उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, 6 इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिख लें, आपको इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है कलौंजी, थोड़ी सी कुटी हुई होनी चाहिए, मेथी दाना कुटावा होना चाहिए, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स। अब खानी कैसे है मैं ये बताती हूँ। कलौंजी और मेथी दाना तो आपने पूरा महीना हाफ हाफ टी स्पून खाना है, सुबह के वक्त में हाफ टी स्पून पूरा महीना खाना है। लेकिन फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स 1 टेबल स्पून ईच, यानी फ्लैक्स सीड्स 1 टेबल स्पून, पम्पकिन सीड्स 1 टेबल स्पून, आपने आपकी मंथली साइकिल्स के फर्स्ट 14 डेज खाना है। समझ लें दोबारा से, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स, यानी दोनों हो गए 2 टेबल स्पून। इसके साथ साथ में हाफ टी स्पून हो गई मिक्स कलौंजी और मेथी दाना, कितना हो गया 2.5 टेबल स्पून टोटल हो गया ये। ये मुरक्कब आपने खाना है अपने मंथली साइकिल्स के फर्स्ट 14 डेज में, ठीक है ना। ये फर्स्ट 14 डेज में ये खाना है। सेकंड के जो 14 डेज होंगे यानी 15 दिन से लेके 28वें दिन तक आपने क्या खाना है, सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स यानी तिल, ये आपने 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स और 1 ही टेबल स्पून आपने तिल, उसके साथ क्या मिलाएंगी, हाफ टी स्पून कलौंजी और मेथी दाना का मिक्सचर, 2.5 टेबल स्पून दोबारा से हो गए। तो ये एक साइकिल है, जब इसी तरीके से आप खाएंगी 2.5 टेबल स्पून पहले 14 दिन में, 2.5 टेबल स्पून आखिर के 14 दिन में, तो ये 28 दिन में जो आपकी साइकिल है वो बेहतर हो जाएगी। तो आपके बॉडी में मौजूद जो PCOS की गुठलियाँ हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जुम्मा मुबारक आपका भी, जुम्मा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अंदाजा हो गया बिल्कुल। आप नाज़रीन को सलाम कर दीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक आपको, आज का दिन बहुत बड़ा है और यकीनन सब जानते हैं इस बारे में। और जी, हमारे साथ बच्चे और हम सेगमेंट में मौजूद है, कौन सा सेगमेंट है ये? प्यारा बचपन। और सबको तो पता है मैं यहाँ खड़ी हूँ, पहले धोएंगे हाथ, बिल्कुल, और फिर जाएंगे आगे। प्यारा बचपन और आपका बचपन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपके भी करीब करीब ही हूँ कहीं मैं, बिल्कुल। आप भी 25 साल के हैं, आपको नहीं पता? अच्छा अच्छा, आज अच्छा जी, फिर लाइव बॉय रोज? बिल्कुल लाइव बॉय रोज। क्या हुआ? माइक अभी मिलेगा जब आपकी बारी आएगी, ठीक है ना? जी मैम जी, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, आज जुम्मतुल विदा है, जुम्मा है, आज आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। और बहुत सारे बड़े जो होते हैं वो अपने बच्चों का रोज़ा ज़रूर आज के दिन ज़रूर रखवाते हैं कि वो चाहते हैं कि बड़ा दिन है आज से शुरुआत करें, जिनके पूरे हफ्ते नहीं होते। तो अगर आपको जरासीम से साफ रहना है और आज का जुम्मा अगर आपने रखा, यकीनन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि लाइफ बॉय गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन। वो भी 10 सेकेंड्स दोबारा बोलेंगे हम, क्या बोला था लाइफ बॉय क्या करता है मरियम? 100% जर्म प्रोटेक्शन इन जस्ट 10 सेकेंड्स। तो हम सेकेंड हाथ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
बिल्कुल जर्म फ्री हाथ। और जो लेडीज किचन में काम करती हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि हाथों के जरिए सारे जर्म्स पेट में जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ख्याल रखिए कि बहुत जरूरी है, आप भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और हाथ धुलवाएं। लाइव बॉय जी रोजा नहीं रख पाएंगे एग्जैक्टली। और फिर ईद की खुशी, अब तो ईद नजदीक आ रही है, तो अगर आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे या आप बीमार हो जाएंगी तो फिर कैसे ईद एंजॉय कर सकेंगे। तो ईद को एंजॉय कीजिए, उसके मजे को दुबाला कीजिए, अपने हाथ साफ सुथरे रखिए, लाइव बॉय से हाथ धोइए। अच्छा महम, आज कौन सी स्टोरी आप सुनाएंगे? अब देखिए, हम हमेशा बात करते हैं अलग अलग नबियों की, सहाबा की, हर किसी की, और कोई ना कोई कहानी हम जरूर लेके आते हैं। तो अगर हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात ना करें, वो भी खासतौर पे बच्चों के लिए, कि बच्चों के साथ उनका किस तरह का रवैया होता था, और वो तो आपने छोटी छोटी बातों में जरूर बताया है, सलाम करने वाली बात हो या बच्चों से बहुत प्यार करते, बिल्कुल ऐसा ही है, या हजरत हसन या हजरत हुसैन के साथ उनका प्यार हो, जिस तरह का भी हम सब सुनते आए हैं, बिल्कुल खुद से सलाम किया पहले कि जो दीवार के पीछे है उसको भी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे प्यारे नबी बच्चों के साथ उनका हुस्ने सलूक था, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी एक बात करूँ तो उनके उस पर जितनी भी बात की जाए शायद वो कम होगी, मेरे पास अल्फाज ही नहीं होंगे, तो इसलिए हम मुख्तसर सी बात करेंगे उसके ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनको गोद में लेते, कभी सीने पर लिटा लेते, कभी कंधों पर बिठा कर घुमाने लगते, इतने बड़े नबी थे तब भी। कहते हैं ना कि अक्सर मैंने देखा है लोगों को, कुछ होते हैं बच्चों के साथ थोड़ा दूर दूर ऐसे होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नबी होकर भी उनका बच्चों के साथ ये था कि बच्चों को भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देते थे, एग्जाम्पल दिए ना, बिल्कुल उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए जिसको हम सब फॉलो करें। बच्चे भी उनसे खुश हुआ करते थे बहुत ज़्यादा जब उनके साथ मिलते थे, तो बिल्कुल जैसे हम नहीं यहाँ सारे बैठ जाते हैं बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे। आप सल्लम हसन को, हज़रत हसन को एक रान पर अपने की तरह बिठा लेते थे, घुटने पे बिल्कुल यहाँ बिठा लेते थे, थाई से बिठा लेते, थाई पे वैसे बिठाते थे, और एक को कंधे पे चढ़ा लिया करते थे और वैसे घुमाया करते थे। फिर कहते हैं कि बच्चों को वो उनको स्मेल भी किया करते थे, वो कहते थे उनमें से एक खास खुशबू आती है, जैसे वो हमेशा कहते थे कि खास फूल, अल्लाह ताला के जो खास फूल होते हैं ना उनके बागों के, वैसी खुशबू छोटे छोटे बच्चों से आती। तो उनका ये बिहेवियर था बच्चों के साथ, बड़ों के साथ तो हमने उनके कई किस्से सुने, पर बच्चों के साथ एक ये इस तरह का उनका पर्सनैलिटी उनकी ऐसी थी कि बड़े तो बड़े, छोटे भी उनसे मुतासर होते थे बहुत ज़्यादा जी। अच्छा अच्छा, एक और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ईद वाले दिन ना, जब इमाम हुसैन ने कहा कि हमारे कपड़े नहीं है सबके, तो नए नए कपड़े, तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जो इमाम हुसैन की वालिदा है, उन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े जो है ना वो दर्जी के पास है। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और दरवाजे पर दस्तक हुई, तो फरिश्ते ने कहा अन्ना खयादुल हसनैन, और वो फरिश्ता था, उसने कहा मैं हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया, तो जन्नत से कपड़े आ गए। वाह वाह। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कपड़े तो आ गए, अब सबके पास सवारी होगी, सबके पास, किसी के पास घोड़ा होगा, किसी के पास ऊँट होगी, ऊँटों का हमारे पास तो कोई सवारी नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहते हैं कैसे कहते हो सवारी नहीं है, आओ मैं तुम्हारे लिए सवारी बनता हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह झुक गए और अपने ऊपर उनको बिठा लिया। अब दोनों फरमाते हैं इमाम हसन के नाना सवारी तो है, लेकिन सवारी के सबके हाथ में सवारी होती है, उसके महार होती है जो रस्सी होती है, रस्सी पकड़ने, वो कैसे बोगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रचार फरमाते हैं कि हसन आप मेरी ये वाली राइट वाली जुल्फ पकड़ लें, और हुसैन आप मेरी राइट लेफ्ट वाली जुल्फ पकड़ लें। अब जब मदीने की गलियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रहे थे बच्चों को लेकर, तो सब मदीने वाले कहते थे वाह भाई वाह क्या सवारी है। तो रसूलुल्लाह कहते थे ये नहीं देखो सवारी कैसी है, ये देखो सवार कितने अच्छे हैं। तो ये एक मोहब्बत थी उनकी, प्यार था। और जैसे कि आपने बताया ना कि इंसान जितना बड़ा हो जाए फिर वो कोशिश करता है चीजें ना करे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जांपल सेट किया। बिल्कुल, वो इसीलिए कि हम उनको फॉलो कर सकें। जी जी, जुम्मे के बारे में प्लीज बताइए। ये रमजान का आखिरी फ्राइडे है, और हमें फ्राइडे को हमें मतलब रमजानों को गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें नहा धो के अच्छा कपड़े पहनने चाहिए, और हमें मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ना चाहिए, उससे हमें ज़्यादा सवाब मिलता है। और आप सब मेरे साथ एक दुआ पढ़ें कि हमें हमें हर हर अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, मस्जिद और मस्जिद में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हर साल मिलना चाहिए, हर साल मिलना चाहिए, और जो रमजान में हम दिन गुजारते हैं इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अच्छा, काम गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये अपने इतनी अच्छी बात की। अरे वाह, आज ये कौन आए? ये देखें आप, कुछ मैं देख के थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ देखें। मैं ये कह रहा हूँ मेहदी यहाँ पे आपके भाई है, बताइए क्या नाम है आपका? मराहिम। माशाल्लाह,
ओहो, और आपका क्या नाम है? उर्वा, ये सबसे छोटी नदी। हाँ जरूर सुना है। ये पानी, एक सेकंड। कोई बात, आप याद करें जब तक हम मरियम से पूछ लेते हैं, ठीक है? चलिए मरियम जी, मरियम। अच्छा आपको याद है? हाँ, वही पानी पड़ता है। कितने नाम हैं? मैं बताऊं? जी 99 याद आ गई। अभी आप पढ़ेंगे ना, अभी अल्लाह ताला का जाती नाम सिर्फ एक है, यानी अल्लाह ताला, और बाकी सारे अल्लाह ताला के सफाती नाम हैं, और वो सारे नाम हमें याद करने चाहिए ताकि हम पढ़े। बिल्कुल, और सर मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि कहते हैं जब कोई, उनके हर नाम का एक मकसद है, एक मतलब है नाम का, तो कहते हैं जब आपको कोई खास दुआ मांगनी हो तो उनके उस नाम को लेके पढ़ी जाए तो वो बहुत जल्दी कबूल। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की, आज एक किसी की कमी है यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं आई है? उरैन का जवाब कल देंगी, कल देंगी उरैन। हम आपको मिस कर रहे हैं, और सब याद रहना, गवाह रहना कि हम उरैन को याद कर रहे थे। उरैन हम आपको मिस कर रहे हैं, कल आप जल्दी से आइएगा। अल्लाह ताला के जितने भी सफाती नाम है ना, उन सबको हम अस्नाए उस्ना कहते हैं। हाँ, अच्छा अब अलवीरा। हाँ जी जी अलवीरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम, मैं सैड हूँ। सैड हूँ? क्यों सैड हो? क्योंकि रमजान जा रहा है। मैं आपको भी मिस करूंगी, फरहान भाई को भी, और मामापी को भी। हम भी आपको मिस करेंगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे, और हम आपको मिस करने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको दुआएं देते रहेंगे और हम आपको याद रखते रहेंगे। सही है, ये नहीं कि रमजान में ही मिलना है, रमजान के बाद भी मिलेंगे, ठीक है ना? खाने खाना खिलाओगी हमें या मेरे घर आओगी खाना खाने के लिए? आपका घर मैं बुलाऊंगा, हम सब बुलाएंगे, बल्कि हम सब एक जगह जमा होंगे, गेट टुगेदर करेंगे। अभी बता मत देना। अरे ओ दूर है जी, जी सुनाइए। ठंडे ठंडे पानी के कूजे भरे हैं, खाने अफताइयों के सजे हैं, तेरे जाने से दिल हिल गया है, तेरे जाने से दिल हिल गया है। वाह भाई वाह, वाह जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह के नाम सुनाओ मुझे, अल्लाह के नाम हम कल सुनेंगे, क्योंकि आज जब हमारे रमजान खत्म होंगे, आप लोग को हम मिस करेंगे बहुत, क्योंकि आप लोग हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। आप हमारे ऐसी मामा बाबा हैं। आपने कल कहा था कि मैं दादी की सुनाई हुई स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ वो मैं कल सुनाऊंगा, कल कल इंशाल्लाह, प्रॉमिस, क्योंकि आज हमारे पास हमारे बाबा मामा जैसे। अरे आप भी हमारे बच्चों की तरह हो बेटा, बिल्कुल बच्चों की तरह। नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, बल्कि वक्फा नहीं, डायरेक्ट वजीफे पे ही हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने भी आज जाना है। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल हम दोबारा से मिलते हैं, ठीक है? सबको कहिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहीं से हम चलते हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब की तरफ, क्योंकि ये वज़ाइफ का सिलसिला बड़ा अहम है, और लोग कॉल करके वज़ाइफ के हवाले से रहनुमाई हासिल करते हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब से। और मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आज आपने एक जगह ईरानी कॉन्सलेट में आपकी तकरीर भी है माशाल्लाह, तो वहाँ भी आपको जाना है। तो मैं चाहूँगा कि जितना वक्त हमारे पास ये बचा है उसको हम गोल्डन टाइम समझते हुए हम चाहते हैं कि आपसे इसी सिलसिले में बात करें। पहले तो एक जुम्मतुल विदा के हवाले से आप कुछ बयान फरमाइएगा कि आज जुम्मतुल विदा, क्योंकि इब्तिदा में वो ज़रा इख्तसार से रह गया था और तशनगी रह गई थी। इसके साथ साथ मुजाहिद अमजद साहब ने गुजरांवाला से ये सवाल भेजा है कि जो सर दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन जिसको कहते हैं, वो है, उसके लिए कोई वजीफा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व सल्लम अला रसूलिहिल करीम। फरहान भाई, जिस तरह आज जुम्मतुल विदा है, तो जुम्मतुल विदा के साथ हमने यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन के एतबार से 25 दिन मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और मुख्तलिफ़ मौजूआत पर गुफ्तगू की। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें आज तक कभी बहैसियत एक मुसलमान मैंने अपने साथ सोचा कि मुझे ये बरतरी क्यों हासिल है, मुझे ये बेहतरी क्यों हासिल है, मुझे ये एज़ाज़ किस हवाले से हासिल है, क्या वो इंसान नहीं है,
क्या उनकी दो आंखें नहीं हैं, या उनके दो कान नहीं हैं, या वो एतबार से कद काट के मुझसे कई दर्जा बेहतर नहीं है, तो वजह क्या है? क्या मैं एशिया में रहता हूँ, वो यूरोप में रहते हैं, तो ये फ़र्क किस चीज़ का है कि मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ बहैसियत एक यकीन के तौर पर? क्योंकि हम समझते हैं कि उनका यकीन चीज़ों से है, हमारा यकीन चीज़ों के पैदा करने वाले से है। हम चीज़ से नहीं मांगते, हम चीज़ देने वाले से, बनाने वाले से मांगते हैं। तो कभी दिल में ये ख्याल आया कि मैंने हर वजीफ़ा पढ़ा अपने काम के लिए, कभी उसको उसके लिए भी याद किया, कभी उसका नाम उसके लिए दिल पे आया, कभी उसका खौफ उसकी वजह से आया। जब भी पुकारा, बीच में मेरी कोई लालच थी, बीच में मेरा कोई दर्द था, मेरे लिए दरवाजे बंद थे, मेरी सुनाई कहीं नहीं होती थी, मेरे पर चौखट बंद थे, तो मजबूरन मुझे इस दहलीज पे आना पड़ के मैं कहता या अल्लाह मेरा ये काम कर दे। तो क्या वो ये गिला नहीं कर सकता? वमा कदर अल्लाह हक कदरी, ए मेरे बंदे तूने तो मेरी कदर ही नहीं की, मेरी कदर ही नहीं की। ये अल्लाह कह रहे हैं कि सिर्फ मांगा तो अपनी हाजत के लिए, पुकारा तो अपनी जरूरत के लिए, अल्लाह अकबर, रोए तो सिर्फ अपने हाजत मनवाने के लिए, कभी मेरी जात के लिए। اللهم لا نحصي ثناء عليك وهو كما اثنى على نفسك, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं या अल्लाह हमने तेरी तारीफ उस तरह से नहीं की जिस तरह तू है। तो ये कभी दिल में ये ख्याल आया कि कभी मैंने ये तस्बीहात इसलिए भी किए हों कि या अल्लाह तू इसका हकदार है, तू इसका सही हकदार है, और जब मैं तुम्हें परेशानी में याद करता हूँ वो मेरी एक मजबूरी है कि यार या अल्लाह मेरी अवल सदा तू है, मेरा इब्तिदा तू है, मेरा इंतहा तू है, मेरा जाहिर तू है, मेरा बातिन तू है, तू देख रहा है, तेरे बस से बाहर क्या? तो हमें ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उससे लो लगेगा। तो फरहान भाई, अच्छा एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो ये सवाल भी हम ऐड कर लेंगे माइग्रेन वाला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शफीक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी, मैं मौलाना साहब से बात कर सकता हूँ? जी जरूर बात कीजिए। जी मौलाना साहब, एक अजीब सी मेरी तबीयत हो गई है, बहुत बेचैनी सी है, नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँ कि मसला क्या है। हेलो जी, आप बता, आप बताएंगे भाई तो इंशाल्लाह मौलाना साहब को वजीफा बता। मैं आपको, मैं असल में वो मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा, तो मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू लेकिन इसमें हो नहीं रहा। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है? तो मैं उससे माफी मांगू कि लेकिन अब हो नहीं रहा। मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या? क्या वालदा मर गई है मेरी। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई यार बस नहीं चलता, मैं अपने आप को जी चाहता, मैं अपने आप को नोच लूं अपने नाखूनों से, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। ये इतना अचानक का मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? मैं माँ से माफी मांगू, मैं किससे माफी मांगू, मैं कैसे माफी मांगू? मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। मेरे भाई आपकी गुफ्तगू सुन के ना मेरा जिगर मुंह को आने के करीब है। वो एक आशिक ने ना, अल्लाह आशिक था, उसको माशूक ने कहा था कि माँ का जिगर लाओगे तो तुमसे शादी करूंगी, तो उस बदबख्त ने जाके माँ को छीरा, माँ का जिगर निकाला और चलता हुआ दौड़ा कि मैं अपने माशूक से कहूं कि ले मैंने अपनी माँ का जिगर काट के तेरे सामने पेश कर दिया। तो वो भागने लगा, जब वो भागने लगा तो वो कहीं ठोकर लगी तो वो गिर गया, जैसे ही गिरा तो कलेजे से आवाज आई, शाला खैर होवे मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, शाला खैर होवे मेरा, जो लोमा पेट में रख खुद न खाए तुम्हें किला, खुद न पिए तुम्हें पिलाए,
सर्दियों की रातों में खिड़की दरवाजों के करीब सोए तो मैंने हाफ पहनाए, लोगों के घरों में बर्तन भाजे और तुम्हारा पेट पाला, उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान के समाते चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। एक माँ, आज एक माँ ओल्ड होम में मर गई है एक बेटे के हाथों, जिसके पैरों तले जमीन थी, जिसके पैरों तले जन्नत थी, तुमने उसी माँ का जनाजा निकाल दिया। तुम इस कायनात के कातिल हो, तुम इस कायनात के खूनी हो, जिसने तुम्हारे जैसे दरिंदे को जिंदगी दी, तुम्हारे जैसे दरिंदे को वजूद बख्शा। फरहान भाई, इस माशरे पे कयामत क्यों नहीं आएगी जहां मां जैसी ममता को लोगों ने ओढ़ों में बिठाया हुआ है, मां जैसी ममता देख के बिना देख रही हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, उस अल्लाह से माफी मांगे, उसकी कब्र पे जाके रोए कि ऐ मां, मैं तुझसे आज भीख मांगता हूं, खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी दुआएं आसमानों तक भी नहीं उठेगी। अगर तुमने ये माँ, ये तुम्हारे लिए जन्नत थी, ये माँ ये तुम्हारे लिए दुनिया व आखरत का बेहतरीन सर चश्मा था। लेकिन याद रखना, मैं थोड़ा जज्बाती इसीलिए नहीं हुआ, हमारी माँ तो गुजर गई, हमें तो दुआएं देने वाला भी कोई, लेकिन किस जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो उसमें क्या बीतती है। अरे बीवी अपनी जगह पर मुकद्दम है, माँ मुकद्दस है, माँ मुकद्दस है, उसके वो माँ तकल्लुमा ऑफ ऑफ भी नहीं करना, वो बिरहमा कमा रब्बयानी सगीरा, कैसे तुम्हें नहलाया, कैसे तुम्हें खिलाया, नवाले बना बना के तुम्हें खिलाए, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें कभी लड्डू कहा, कभी अपनी आंखों का तारा कहा, कभी अपने दिल और जिगर का चैन कहा, तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसके साथ क्या खुदारा, यदि आवाज जहां तक भी जाए अपनी माओ की कदर कर ले, जब तक के उस पर बट्टी ना पड़े अपने अपने माओ की कदर करें। अगर हमने अपनी माओ की कदर नहीं की, याद रखना आपसे पूछा गया कयामत कब आएगी, कहा जब माँ बाप का गरेबान पकड़ ले औलाद, तो कयामत आ गई, आ गई ये कयामत। कौन सी निशानी है जो पूरी नहीं हुई, माँ बाप, माँ तो माँ होती है, जानवर भी अपने माँ से मोहब्बत करते हैं, हम तो इंसान है। फरहान भाई, किस तरह से हम, मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर गए, बस क्या कैफियत हमारी बनी, माँ माँ फरहान भाई, माँ जैसी हस्ती, और एक साहिल कह रहा है ओल्ड होम में छोड़ा और वो वहीं मर गई, बहसियत में और आप एक एक बेटे के ऊपर सोचें, क्या उसको कब्र में क्या उस पर उसकी कब्र की कैफियत क्या होगी। बात ये है कि जो शफीक साहब ने कॉल की, काम तो शफीक साहब आपने एक ऐसा किया है कि जिसकी तलाफी तो नहीं, लेकिन अल्लाह तो माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जहाँ हुकुलिबात की बात है तो अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि तुम ने अगर मेरे हक मेरी हक तलफी की तो मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी मखलूक की हक तलफी की तो जब तक वो माफ़ ना करे मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल आपको इस बात का पछतावा है, ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अपने आप को मार लूं और काट लूं, खुदकुशी जो है ना वो हराम है, आप एक और गलत काम करेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, मैं इस चीज़ पर नादिम हूँ, मेरी आवाज़ को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, माँ एक ऐसी हस्ती है कि वो फौरन मोम हो जाती है। अगर आपने अपनी माँ के साथ ये किया कि उसको ओल्ड हाउस में भेज दिया और आपकी माँ अब दुनिया में नहीं माफ़ी मांगने के लिए, तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह मेरी सदा को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी वालदा, आप वालदा की रूह आपको माफ़ कर देगी, अगर आप सिद्क़े दिल से अमल करेंगे और आने वाली नस्ल तक ये तलकीन करेंगे। लेकिन जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें
कि माँ बाप जैसी नेमत फिर नहीं आएगी। अपने माँ बाप की कदर करें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और वक्त हुआ है प्यारा इल्म का, जो कि अपने फ़ाइनल के मराहिल की तरफ जा रहा है। 18 रमज़ान तक जो टीम्स जीतती आई हैं, वो 18 पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जमा हुए हैं। अब रोज़ के माहौल में ढले हुए, इल्म के माहौल में ढले हुए ये सब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज देखते हैं कि आज की फातह टीम कौन सी होती है। मैं तारुफ कराता चलूं, टीम ए हमारे साथ है सैयदा उरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल माशाल्लाह। एक तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के आमद वाले दिन तो एक स्पेशल गिफ्ट आप ले ही जा चुकी हैं, अब देखना है कि फाइनल में आप फरहान अली वारिस सिटी का 400 गज का प्लॉट लेके जाती हैं या 240 गज का या 120 गज का, ये अल्लाह पे मुनसर है इंशाल्लाह। अल्लाह करम फरमाए। आपको सपोर्ट कर रही हैं डॉक्टर हिना। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप बताइए। से बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, ज़बरदस्त। और आपको सपोर्ट कर रही हैं महम आमिर, माशाल्लाह। आप आज जो टीम है वो एक थीम के अंदर आए, एक कलर थीम के अंदर, माशाल्लाह करिए काम करे चीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं जौहर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको सपोर्ट कर रही हैं शेफ उरूज। अब हम चलते हैं अपने गेम की तरफ। अच्छा देखिए, इससे पहले जब आप लोग आए थे तो मैं बड़ा मुख्तसरन बता दूं कि आपसे 5-5 सवालात किए गए थे, इसमें भी 5 सवाल होंगे, हर सवाल पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन सवालात का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो लिहाजा आपने उसको बड़ा ख्याल रखना है। सेकेंड जो आपका राउंड होगा वो है बज़र राउंड। बज़र राउंड में भी आपको उसी तरह जैसे पहले तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन अब वो तस्वीर क्या दिखाई जा रही है, उसमें सवाल क्या है, ये थोड़े से चेंज होंगे, थोड़े से हो सकता है आपके लिए मुश्किल हों, हो सकता है आसान भी हो, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन पहले आप क्या करते थे, जब आप बज़र दबाते थे तो हम आपसे कहते थे पहले किसने बज़र दबाया, अब जवाब दीजिए, आप तस्वीर से पहले ही, सवाल से पहले ही बज़र दबा देते थे। अब हो सकता है आपने बज़र दबा दिया, मैं रुक भी सकता हूँ कि आप बताएं सवाल का जवाब दें, आप मैं क्या पूछने वाला था, तो इसलिए सवाल को सुनकर ज़रा गौर से जवाब देना है। उसके साथ साथ ही तीसरा राउंड होगा हमारा रैपिड फायर, जो एक मिनट दिया जाएगा तीनों टीम्स को, और तीनों टीम्स जो हैं वो एक मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देंगी। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन हर सवाल पर, सही जवाब पर 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। आज की जो फातह टीम होगी उनको दिया जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1,00,000 रुपये का मेंबरशिप कार्ड, जो कि जिसकी मालियत तकरीबन 1,00,000 रुपये है, 1 साल का मेंबरशिप कार्ड होगा, और आपके साथ स्पेशल गिफ्ट जाएगा जो आज की टीम जीतेगी, करशी का जामिशीरी बनाने वालों की जानिब से एक बड़ा गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, और आपके साथ जाएगा जो रनर अप होंगे टीम ए, टीम बी एंड टीम सी में, जो भी रनर अप होंगे उनके साथ जाएगा हर्ब्यून्स नेचुरल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, गोल्डन पर्ल्स कॉस्मेटिक्स बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, फोटाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएगा, तिफल बेबी डायपर जो कि पाकिस्तान की पहली ISO वेरीफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, तिफल डायपर की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, और क्वीन स्टार की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, क्विज की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, और साथ साथ जाएगा WB बाय हिमानी और हिमानी नेचुरल्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, और साथ जाएगा सेवेस्टन की वॉचेस आपके साथ जाएंगी, सेवेस्टन एक ज़बरदस्त कंपनी है, इसकी वॉचेस आपके साथ जाएंगी, और जो आपके रोस्टम पर नहीं रखा हुआ वो है फरहान अली वारिस का परफ्यूम, वो हो ना हो हम उसका जिक्र लाजमी करते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अब शॉर्ट हो गया, आप लोगों ने सारे ख़रीद लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगले राउंड में हो सकता है वो, ओ अगले दिन। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आज स्पेशल हमारे साथ दो दिन से एक और गिफ्ट आपके लिए बड़ा ऑर्गेनिक गिफ्ट है, वो है कि हेयर फॉल्स का इश्यू हो, डैमेजेस का इश्यू हो, रूट्स के इश्यूज हो, या हेयर ट्यूनिंग हो, इन सब का सॉल्यूशन जिसमें है वो है ऑर्गेनिक इनोवेशंस। आज हमारे पास ऑर्गेनिक इनोवेशंस के 100% प्योर ऑर्गेनिक हेयर ऑयल हैं, जो आपके हेयर्स के तमाम प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, वो आपके साथ जाएंगे। चलिए अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। अब टीम ए आपसे है पहला सवाल, सवाल यह कि आपने शेर मुकम्मल करना है, मैं शेर का पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा पढ़ना है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज,
तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल सही जवाब, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। चलिए जी, आपने पहले ही राउंड में छक्का मार दिया। चलिए, अब इब्तदा अच्छी है तो इंशाल्लाह इंतहा भी अच्छी हो। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन हरकत के कितने कानून पेश किए? 3। बिल्कुल सही जवाब। आजाद कश्मीर की कौमी जबान क्या है? माइक पे बोलिए, जो बोलना है माइक पे बोलिए। उर्दू। बिल्कुल सही जवाब। शेर मुकम्मल कीजिए। रीख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। बिल्कुल सही जवाब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। आप जानती हैं रीख्ता किसे कहते हैं? पता नहीं। रीख्ता यानी जिसमें अरबी और फारसी का इम्तिजाज हो, जैसे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। अब ये तो फारसी है। सरदार नदार दस्त दर दस्त, नहीं सॉरी, शाह मर्दा शेर यजना कुवत परवरदिगार, ये फारसी हो गया। ला फता इल्ला अल्लाह सैफिल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये अरबी हो गया। तो जो इम्तिजाज होता है फारसी और अरबी का वो कहलाता है रीख्ता। चलिए अगला सवाल, वो क्या चीज़ है जो नाम लेने से ही टूट जाती है? खामोशी। बिल्कुल सही जवाब। आपने भी अपनी खामोशी तोड़ दी। नाज़रीन आप भी अपनी खामोशी तोड़िए और जोर से तालियां बजाइए एक बार फिर टीम ए के लिए। टीम बी आपसे है पहला सवाल, शेर मुकम्मल कीजिए। सरला मकां से तलब हुई, सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, मुगल बादशाह औरंगजेब का असल नाम क्या था? आलमगीर। बिल्कुल गलत जवाब, मुइनुद्दीन नाम था। आलमगीर नाम था ना? नहीं नहीं, मुगल बादशाह औरंगजेब का असल नाम था मुइनुद्दीन। मुगल बादशाह औरंगजेब, आलमगीर की बात नहीं कर रहा मैं, औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर। हाँ, औरंगजेब का असल नाम है मुइनुद्दीन। ठीक है, चले आपने गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं, आगे अभी मौके और भी आएंगे। तीसरा सवाल, स्पेन में कब तक मुसलमानों की हुकूमत रही? स्पेन में 1500 कोई हिंट देंगे? 1527 इससे पहले, 15 से पहले, ये हिंट 15 से पहले। यरूशलम 1322। गलत जवाब, 1492। 1492 आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। शेर मुकम्मल कीजिए। जरा पहले मुस्कुराएं, हंसे जरा, ये मेरे भाई मुस्कुरा रहे हैं ना। अब मैं आपसे शेर मुकम्मल करने का, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या राज है जो छुपा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कैफी आजमी साहब का शेर है। बिल्कुल सही जवाब। थपड़े पड़ गए, ये शेर कौन भूल सकता है, इतना आसान। नहीं, आजकल लोग राज छुपाते हैं ना, तो मैं उस पे नहीं, नहीं राज भी है, गम भी लोग छुपाते हैं, और गम को छुपाना चाहिए। गम सिर्फ अल्लाह के आगे बयान करने चाहिए, क्योंकि जब आप अपना गम किसी के आगे सुनाते हैं ना, तो वो आपसे सुनना नहीं चाहता और वो आपसे चिढ़ जाता है, यार ये तो रोता ही रहता है। तो अपने गम सिर्फ अल्लाह को सुनाने चाहिए। चलिए, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। माम आप अगर ना होती तो आज ये जवाब ना मार पड़ी है होने रुस्ते क्या कर रहे हो अल्लाह का। हाँ, बड़ी बहन मार सकती है, बिल्कुल मार सकती है। चलिए पांचवा सवाल, वो कौन सा जानवर है जो दूध और वो जानवर नहीं सॉरी वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? वो दूध वाला, दूध वाला अंडे भी बेचता है और वो भी बेचता है। बिल्कुल सही जवाब, दुकानदार जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है। चलिए टीम सी आपकी तरफ चलते हैं, आपने भी शेर मुकम्मल करना है। आपके नसीब में बड़ा अच्छा शेर आया, बड़ा आसान शेर आया मीर तकी मीर साहब का, के पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। बिल्कुल सही जवाब, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। और जितनी खुशी इस वक्त उरूज के चेहरे पर है आपसे आता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। दूसरा सवाल, उस शहर का नाम बताएं जो दो बर्रे आजम के दरमियान है। इस्तांबुल। बिल्कुल सही जवाब, इस्तांबुल। चलिए जनाब तीसरा सवाल, बच्चों का शायर किन्हें कहा जाता है? इस्माइल मीरठी। बिल्कुल सही जवाब, इस्माइल मीरठी साहब को। चलिए शेर मुकम्मल कीजिए, कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, बिल्कुल सही जवाब, अहमद नदीम कासमी साहब का शेर। सवाल, वो
क्या है जो खास तौर पर आपसे ताल्लुक रखती है मगर इसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं? वो क्या चीज है जो आपसे ताल्लुक रखती है मगर बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? मेरा नाम। बिल्कुल सही जवाब, नाम। जबरदस्त। चलिए जी दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं, बजर राउंड। अब आपने करना क्या है, गौर से तस्वीर देखनी है, सवाल सुनने के बाद बजर दबाइएगा वरना मैं बीच में सवाल रोक सकता हूं। तस्वीर देखकर मुहावरा बताइए। बी आपने बजाया, ऐसे ही बजाते माइनस होंगे अगर जवाब नहीं दे पाए। बी आपने बजर दबा तो दिया है, माइनस कर। आप कोई और जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं माइनस कर थे मैं तो। हाँ सोचे सोचे ये क्या है, क्या थोड़ी सी हिंट देने? ये देखिए कलर है। हाँ गलत बोलोगे। और ये वो है, आइस ट्रे है जी। खून ठंडा होना। अरे नहीं ये रंग है, खून थोड़ी है। नहीं लाल वो नहीं। माइनस टेन हो गए। जल्दी बताइए अगले। मैं जी जी जी। रंग में भंग डालना। अब नहीं ये भंग नहीं है भाई, ये कलर है सिर्फ। 10 पॉइंट चले। गलत जवाब, तीनों के माइनस 10 हो गए। ये है रंग जमाना। रंग है, रंग कलर, रंग जमाना। क्या हो गया आप लोग? मैं बता भी रहा हूँ कि आइस ट्रे है, ये रंग है, कलर है, आइस ट्रे है, रंग जमाना। चलिए तस्वीर अगली देखिए, मुहावरा बताइए जल्दी से। देखिए तस्वीर बी, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े नजर आना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बड़ा मजा आ रहा है। अब आपने जंबल्ड वर्ड को सीधा करके बताना है ये क्या चीज है जिसका नाम है। देखिए ए शरबत। बिल्कुल सही जवाब, शरबत। जैसे के करशी का जामे शीरी जो आपके साथ जाएगा। अच्छा जनाब अगला वर्ड देखिए और बताइए। ए सॉरी सी सी फालूदा। बिल्कुल सही जवाब, फालूदा। अगला वर्ड सीधा कीजिए। बी कुल्फी। कुल्फी बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा खेले। ए बी सी तीनों टीम के लिए बहुत सारी तालियां। चलिए जी तैयार हो जाइए, सांस खींच लीजिए, मैं भी अपनी सांस खींच लेता हूं। एक मिनट आपका वक्त है, आपका टाइम शुरू होता है। टीम ए अब हुदहुद का जिक्र कुरान में किस सूरत में आया है? नमल। बिल्कुल सही जवाब, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में वाकई नहीं, हिमालया या इंडस? इंडस। सही जवाब, कीमती भी है और सस्ती भी, अगर मिल जाए तो सस्ती, ना मिले तो कीमती। मोहब्बत या उल्फत? मोहब्बत। सही जवाब, बीबी बिल्किस किस सल्तनत की मलका थी, शाम या यमन? यमन। सही जवाब, मुगलिया दौर की मोहब्बत खान मस्जिद कौन से शहर में वाकई है, कोयटा या पिशावर? पिशावर। सही जवाब, अपने डैश की इज्जत करो क्योंकि इसकी बदौलत आज तुम ये इबारत पढ़ने के काबिल हो, बाप या टीचर, उस्ताद? टीचर। सही जवाब, कारून किस नबी के जमाने में खजांची? सही जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा बड़ा मुल्क है, चौथा या पांचवा? चौथा। गलत जवाब, पहाड़ी पहाड़ की चोटियां डैश से बातें करती हैं, पानी से या बादल से? बादल से। सही जवाब, नमाज बाजमात अदा करने के लिए कम से कम कितने लोगों ने दो, चाहिए दो। सही जवाब, सूरह एराफ के मायने जन्नत और जहन्नुम के बीच का रास्ता है, जन्नत और जहन्नुम के बीच का। सही जवाब, पाकिस्तान में हुकूमती निजाम की कौन सी शक्ल इख्तियार की गई है, सदारती या पार्लिमानी? पार्लिमानी। सही जवाब, दूसरों की डैश मत उछालो, इज्जत या बात? इज्जत। सही जवाब, मकामी तौर पर सहराए चौलिस्तान किस नाम से जाना जाता है, मिट्टी या रूही? रूही। सही जवाब, अच्छा क्योंकि सवाल शुरू हो गया था, सवाल जब शुरू हो जाता है तो उस सवाल को हम काउंट कर लेते हैं आपके टाइम शुरू होने के, क्योंकि टाइम खत्म होने के दौरान में सवाल शुरू हो गया था। ये तीनों टीम के साथ ऐसे ही होगा, आपने परेशान नहीं होना, आप सबके साथ इसी तरह होगा। अगर आप टाइम की फ्रेम के अंदर सवाल शुरू हो गया तो वो सवाल कंप्लीट होगा, उसका जवाब माना जाएगा, सही या गलत ये उस पर डिपेंड करता है। चलिए जी टीम बी तैयार है? यस। ओके टीम बी से पहला सवाल, आपका टाइम शुरू होता है अब। पीटीवी के टेलीविजन मराकिस कब कायम किए गए, 1963 या 1967? 63। गलत जवाब, किबला किस नमाज के दरमियान तब्दील हो गया था, जोहर या फजर? जोहर। सही जवाब, पाकिस्तान में फसलों के कितने मौसम होते हैं, दो या तीन? दो। सही जवाब, बादशाह ने कैदी के डैश का हुक्म दिया, कत्ल या सजा? सजा। गलत, तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से याद किया जाता है, तैयब या अहमद? अहमद। गलत जवाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदें क्या कहलाती है? जी ड्यूरन लाइन। सही जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्ता माँ बाप का डैश होता है, अफजल या बेकदर? अफजल। सही जवाब, मुगल बादशाह अकबर ने दीन इलाही किस सन में नाफिज किया, 1582 या 1584? 1582। सही जवाब, दुनिया का वाहिद जरखेज सहरा कौन सा है, सहारा या थर? सहारा।
गलत जवाब, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे जमीन खा गई, सही जवाब सुलह हुदैबिया किसने तहरीर किया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, पाकिस्तान में कितने फीसद जमीन जंगलात से ढकी हुई है, 1% या 4%? 4%। सही जवाब, बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे डैश कहते हैं, जिंदगी या बंदगी? बंदगी। गलत जवाब, कुरान की किस सूरह को लफ्ज अल्लाह बार बार दोहराया गया? सही जवाब, बहुत अच्छा, तालियां होनी चाहिए, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए जी टीम, एक मिनट रुक जाए। हाँ, बहुत सवाल है अभी, क्योंकि आप बहुत तेज जा रहे हैं, ए भी बहुत तेज गए, टीम सी से भी यही उम्मीद है इंशाल्लाह। टीम सी, आपका टाइम शुरू होता है अब। रेको रेड बलूचिस्तान के किस जिला में वाकई, चागी या आवारा? चागी। सही जवाब, फर्स्ट वुमेन बैंक 1989 में किस हुकूमत ने कायम किया था, नवाज़ या बेनज़ीर? बेनज़ीर। सही जवाब, हलाको खान ने बगदाद कब फतेह किया था, 1258 या 1268? 1268। गलत जवाब, शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा किस जबान में किया, फारसी या हिंदी? फारसी। सही जवाब, मंजिल चाहिए कितनी ही डैश क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के दुश्वार। नहीं, मंजिल चाहे कितनी ही डैश क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, ऊंची या करीब? ऊंची। गलत जवाब, मस्जिद खैफ कहां वाके है, मीना में या अरफात में? अरफात में। गलत जवाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है, रियासत मुत्तहिदा, यूएई या चाइना? यूएई। सही जवाब, नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए, मकसद दस्तक देना होता है दरवाजे को, डैश नहीं, तोड़ना या खोलना? तोड़ना। सही जवाब, नमाज जनाजे में कितने सजदे आते हैं, दो या कोई नहीं? कोई नहीं। सही जवाब, पाकिस्तानी मईशत का कौन सा शोबा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करता है, ज़राअत? बिल्कुल सही जवाब। एक सवाल और, बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते, बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं, अब तो टाइम हो गया, ये सवाल आपका हो गई, जो एक्स्ट्रा सवाल है मैं थोड़ा हंसता कर लेता हूँ। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद डैश हो जाता है, टूट जाता है या रूठ जाता है? टूट जाता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, वो क्योंकि मैं बीच में रुका था तो एक तो आप रुके थे उसको हम काउंट नहीं करते, जो मैं रुका था उसमें आपका टाइम ज़ाया हुआ था, इसलिए हमने वो एक एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए रखा था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। ओहो हो, लेकिन वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। डॉक्टर इना महम और उरूज, आप लोगों को बहुत मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग जब से यहाँ आए हैं, गलत जवाब बताने पे ताज़ियत पेश करते हैं और सही जवाब देने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन बहरहाल मेहनतें आप लोगों की, आप लोग रंग में भंग डालने, हाँ वो तो आपने बड़ा अच्छा डाला है, और शेफ उरूज ने जो खून बहुत अच्छा जमाया है। अच्छा जी, हाँ ओके ओके, दोबारा से एक बार बता दीजिएगा। सही है, ओके। चलिए जी, टीम ए ने तो हासिल किए हैं 180 पॉइंट्स, बहुत सारी तालियां। टीम बी ने हासिल किए 130 पॉइंट्स, बहुत सारी तालियां। और टीम सी, कॉपी कैट, आपने भी 130 पॉइंट हासिल किए हैं, 130 पॉइंट, तो आपका हो गया टाई। जब टाई हो जाता है तो हम आप दोनों से एक सवाल करेंगे, लेकिन ये सवाल का जवाब आपने, आप और टीम ए टाइड है। हाँ, बल्कि सही तो है, हाँ सही तो है, सही तो है, क्या मैं क्यों बार बार टाई कर, हाँ वो जीत तो, आप बिना वजह उनके रंग में भंग डाल रहे हैं। मैं यही तो देखना चाह रहा होता हूँ ना, अब यहाँ भी तो रंग देखना चाहिए। चलिए जनाब, 180 पॉइंट से टीम ए आज की विनर है, रनर अप है आप बी एंड सी, कोई बात नहीं, आपके साथ जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 साल का मेंबरशिप, ये लीजिए, और बाकी आप तमाम सबको जाएंगे, ये जाएंगे, ये लीजिए गिफ्ट हैंपर एक्सप्रेस की जानिब से तीनों को, और स्विस्टन, और ये अच्छा, ये स्विस्टन की जो वॉचेज है ये आपको भी जाएंगी, पार्टिसिपेंट को भी और पैनलिस्ट को भी जाएगी, डॉक्टर हिना को भी जाएगी, महम को भी जाएगी, और शेफ उरूज को जाएगी, और इंशाल्लाह देखते हैं कि फरहान अली वारिस सिटी के अंदर आप लोग, वो भी देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से आप दुआ करें इंशाल्लाह देंगे। देखते रहिए प्यारा रमजान आते हैं मुख्तसिर से वक्फे के बाद, तालियां होनी चाहिए तीनों टीम के लिए।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। और अफ्तार में बस कुछ सातें बाकी हैं। हाँ, आप लोग अफ्तार भी कर रहे होंगे, अफ्तार की तैयारी कर रहे होंगे। आपको हम थोड़ा सा आज आपकी खिदमत में देर से आए, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी बनाना सिखाएंगे। आज क्या क्या बनाती है शेफ उरूज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बना रही हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही हैं? बना रही हूँ आज जबरदस्त सा खाना। मगर उससे पहले, खाना बनाने से पहले आपको डेटॉल हैंड वॉश से अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए, क्योंकि डेटॉल हैंड वॉश आपको 100% प्रोटेक्शन देता है हर तरह के जरासीम से, इंक्लूडिंग वो जरासीम जो आपके पिंपल्स फैलाते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है और इसके साथ साथ ये आपके हाथों को ड्राई आउट नहीं करता, मॉइस्चराइज्ड भी रखता है। लेकिन एक बात आपने तो कह दी, बिल्कुल ठीक कही कि डेटॉल जो है वो वाकई जो है कि जर्म से पाक कर देता है, लेकिन अगर कपड़ों पे दाग लग जाए फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ब्राइट सब राइट कर देगा। ऐसे नहीं करेगा, अभी रुक जाए, ऐसे नहीं, ब्राइट सब राइट कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान में जितने ज़्यादा खाने बनते हैं और ज़ाहिर धब्बे भी लगते हैं, तो ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। तो और हाथ में हार्श भी नहीं होते, बिल्कुल, जो बहुत जरूरी है खवातीन, बहुत जरूरी। ओह, ये जाफरान आज क्या बनने वाला है नाज़रीन, देखिए क्या बना रही हैं। आज हम बना रहे हैं चिलो कबाब। ओह, चिलो कबाब, और उसके साथ हम बना रहे हैं ईरानी ज़रिश पुलाव। ईरानी ज़रिश पुलाव, खुशामदीद। अच्छा जी, ये है मेरे पास ज़ाफ़रान, जिसको मैं थोड़े से दूध को मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। थोड़े से दूध में आप ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स डालेंगे, ठीक है, और इसको आप थोड़ी देर सोक होने के लिए साइड पे रख देंगे। हम इसको टुवर्ड्स दी ज़ाफ़रान जी, शुमा ज़ाफ़रान मिक्स को क्या कहेंगे फारसी? आप फारसी बोल, मैं मतलब बहुत ही कूची फारसी बोल सकती हूँ, ब्रोकन फारसी। यानी ये बहुत ज़बरदस्त ईरानी डिश है चिल्लो कबाब, कि जब आप ईरान जाएँ अगर आपने ये चिल्लो कबाब नहीं खाया तो समझे आपने कुछ नहीं खाया। ऐसे ही बड़े ज़बरदस्त राइस होते हैं, और बड़ा सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि बहुत आप जितना ज़्यादा भी खा लेंगे ना, तो आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी, आपका सीना भारी नहीं होगा, आपको कोई सीने में जलन नहीं होगी, इतने ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, इसके साथ मेरे ख्याल से वो भी मक्खन भी रखा हुआ है। ऑफ कोर्स मक्खन, पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लोग चिल्लो कबाब और उसके साथ ज़रिश पुलाव बना रहे हैं जल्दी से स्पीड में। शुमा हाल खूबी खानम, हमने थोड़ा सा डाला है मक्खन। मक्खन में हम ये पहले से ब्राउन हुए हुए प्याज हैं, आधे डाल रहे हैं, आधे हम बचा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ कुकिंग ऑयल जी, डालडा कुकिंग ऑयल। और इसको आप जल्दी जल्दी फरहान, मैं इसको, अच्छा मुझे ज़रा एक स्पून दे दें, यहाँ रखें स्पून, ये अच्छा मक्खन जो है ना मेल्ट नहीं हो रहा था, इसको निकाल देंगे ऐसे इसमें। अच्छा, लेडीज़ का ये करने का तरीका ये होता है कि हम पॉट के साथ कर लेते हैं, यही तो फ़र्क है खवातीन में और मर्द में, बस इतना ही फ़र्क है कि हम लोग ज़रा इस तरह। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आप जैसे देख सकते हैं चिलो कबाब का मिंस है, ये कीमा है आधा, अगर आपको बहुत अच्छे वाले चाहिए तो आपको आधा बीफ का कीमा और आधा आपको लैम्ब का कीमा। लैम्ब यानी वहाँ पर ज़्यादातर दुम्बा ज़्यादा खाया जाता है, मटन। अच्छा, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर होता है, अगर चिकन पसंद करते हैं चिकन, मटन पसंद करते हैं मटन, बीफ पसंद करते हैं बीफ, लेकिन इसका जो असल जायका जो मुझे पसंद है वो लैम्ब में, ये दुम्बे के गोश्त, दुम्बे के गोश्त, हम वो लैम्ब का ही गोश्त है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसको हम इसके अंदर हम लोगों ने ये जो मिंस है इसके अंदर हमने डाला हुआ है सफ़ेद प्याज बारीक कटा हुआ, उसके अंदर हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है। सुमैक एक स्पाइस होती है जो कि अगेन ईरान में और मिडल ईस्टर्न खानों में बहुत कॉमन है, सुमक वो बहुत कॉमन है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। आप उसमें सुमक डालें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें और मक्खन डालें, ये मैं चावलों के लिए पानी डाल रही हूँ, ठीक है। बस हल्का सा इसने इसके अंदर फ्लेवर आया जैसे ही अनियन का, आई कुड स्मेल इट। तो अब हम चावल कर लेंगे,
और चावल तकरीबन कितने हैं? ये चावल तकरीबन मैंने तो 3 कप, हमारी फैमिली बड़ी है ना एक्सप्रेस पे, हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं तो sure, look, kebab. So, अच्छा ये बॉइल्ड राइस होते हैं ना जी, इसके हम पीच ये निकाल देंगे? नहीं नहीं निकालेंगे, नहीं ये सब इकट्ठे होगा, ये पुलाव की तरह पकेगा. okay. इसके अंदर अच्छा वैसे ये बॉइल्ड राइस में ही बनता है ना? बिल्कुल, ये हम डालेंगे इसके अंदर नमक, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी वो ऐड कर रहे हैं. नहीं नहीं हम इसके अंदर वहाँ पे मैंने ज्यादातर जो खाया वो उबले हुए राइस के साथ. तो उबले हुए राइस होते हैं और उबले हुए होते हैं विद बटर एंड जाफरान, वो जो उसमें येलो वाला होता है ना चावल, निकले हुए होते हैं ज्यादातर. पिच जो आप कह रहे हैं नहीं, वो इकट्ठे पकता है. अच्छा नहीं हमने जो खाया तो वैसे खाया, नहीं इकट्ठे, हो सकता है अलग वैरायटी उसकी हो. अच्छा ये मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ जस्ट टू गिव इट दैट एक्स्ट्रा यमी फ्लेवर. यहाँ पर मेरे पास जेरिश बेरीज नहीं मिली, मैं मुनक्का बहुत आसानी से मिल जाता है तो हम डाल देते हैं. अच्छा जब ज़ियारत मुकद्दस पे जाते हैं ना ईरान में, इमाम रज़ा अलैहि सलाम के रोज़े पर या मौला हुसैन अलैहि सलाम के रोज़े पर जाएँ, तो वहाँ पर हर मेहमान को यानी हर ज़ायर को एक वक्त का खाना हरम की तरफ से मिलता है, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर जो होते हैं वो चुल्लू कबाब ही होते हैं. अच्छा ये मैं ज़ाफ़रान वाला दूध जो है ये भी डाल रही हूँ और इसको अब आप फरान ढक्कन लगा दें और ये पकेगा. अच्छा और चुल्लू कहते हैं चावल को और कबाब खबाब, तो ईरान में कबाब को अक्सर खबाब कहा जाता है. अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये सीखे हैं ताकि अब हम कबाब की तरफ भी चल पड़े ना. ओके और मैं भी हाथ धो लूँ फिर है ना, क्योंकि अब हाथ लगाने पड़ेंगे, अब तक तो चमचा था मेरे पास. मैं इसको धो रही हूँ लेमन मैक्स स्क्रब के साथ, ये बेस्ट पार्टनर है बर्तनों का, इसके अंदर ग्रीस कटिंग टेक्नोलॉजी और ये आपके हाथ भी बचाता है, तो बहुत जल्दी से ये मेरी जो सीखें हैं ये साफ़ हो जाएंगी. आप लेमन मैक्स का स्क्रब लाएं, ये बर्तनों का बेस्ट पार्टनर है और ऑब्वियसली ज़्यादा अरसे चलता है, तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट देता है. आज से आप लोग भी सब लेमन मैक्स स्क्रब लेकर आएं. अच्छा जी अब मैं कबाब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसके अंदर सुमक है, ब्लैक पेपर है, आधा बीफ है, आधा लैम है, इसके अंदर नमक है, इसके अंदर ऑब्वियसली मैंने अच्छा जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट यू नो हमारा फ्लेवर. ईरान में ऐसा नहीं होता है जैसे कि फरहान कह रहे थे, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है और इसके अंदर घी डाला है. अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो प्लीज़ ये बात याद रखें कि जो आप मीट ले रहे हैं वो मीट थोड़ा सा वो हो क्या कहते हैं थोड़ा सा फैटी मीट हो बीफ का जी. अच्छा जी इसको करते हैं हम ऑन चूल्हे को और थोड़ी सी हीट को लो करते हैं. रेडी फरहान? मैं रेडी हूं, अब बताइए क्या करना है. आप ग्लव पहन लें, एक ग्लव आपका एक ग्लव मेरा. ठीक है एक सीख आप बनाएंगे. ताली दो हाथ से बजती है, ऐसे खाना भी दो हाथों से बनता है जी. एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम. इस हाथ में पकड़ो, ये इस हाथ में. आप राइट हैंडेड है ना? हाँ राइट जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आली मदद. वालेकुम अस्सलाम मौला अली अस्सलाम मदद जी. बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक फरहान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया मेरी बहन. फरहान भाई मेरा आपसे एक सवाल था. जी जी फरमाइए. फरहान भाई मैं ना पिछले 3 साल से ना कोशिश करती हूँ, 1 रुपया खा के 9 रुपए 10 रुपए जमा करके करबला जाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके तो मेरे ना वालिद साहब की डेथ हो गई है, हम अपने वालिद साहब को और वालदा को भेजना चाहते थे करबला. सही सही. वालिद साहब फोत हो गए तो ना वालदा की अब ख्वाहिश है कि मैं ना करबला जाऊँ. ठीक है. तो मेरे जो पैसे जमा किए थे कमेटियाँ डाल के जो भी पैसे जमा किए थे ना वो पैसे वालिद साहब की फोत की पे और उनकी बीमारी पे लग गए थे. अच्छा ठीक है. मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वालदा को क्या आप करबला लेके जा सकते हैं? जी ज़रूर. आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर डिटेल्स जो है ना वो लिखवा दीजिए. और सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ये दुआ और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएं या उम्रे के लिए जा रहे हैं या हज के लिए जा रहे हैं. नियत आप अपनी पक्की रखें इंशाल्लाह. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो सका आपके लिए वसीला बन सके, तो हमारे लिए सआदत की बात है. तो आप अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिए हमारी टीम को, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा. बिल्कुल अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा. ठीक है मेरी बहन. अच्छा जी. अच्छा ये जो है ना मेरा ये कबाब जो है वो रुक नहीं रहा है, इसको क्या क्या करिए? दिखाएं. आपने बहुत ज़्यादा लिया है और अगर आपसे इस पे नहीं हो रहा सीख पे तो थोड़ा छोटा कर लें. सही है. ओके हाथ से. अच्छा अच्छा सीख पे बनना नहीं है बेसिकली, ये सीख पे हमने सिर्फ इसको सिर्फ शेप देनी है. मैं ऐसे कर लें? आप हाथ से कर लें. मैं कर लें.
समझ गया। इस दफा फरहान कबाब तोड़ने नहीं है। ओके इस बार हम आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे, कोई कबाब नहीं तोड़ेंगे। अब हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर जो है। अच्छा ये कि छोटे साइज में हो जाए ना तो लाहौर में बड़े मशहूर हैं भैया के कबाब। ओ वाह, हाँ ऐसे ही होते हैं, बस साइज में छोटे होते हैं और बहुत बहुत मशहूर हैं लोग। और वो ठेले से स्टार्ट हुई था वो बिजनेस और इतना ज़्यादा पॉपुलर है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है, क्या नाम है आपका? मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, सईदा समर नकवी। जी आपके बहुत बड़े फैन है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मौला पंचन पाक सलामत रखे, खुश रखे, आपके कलाम सुनते रहते हैं हम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा दे। अच्छा मैं अरूज साहिबा से बात करना चाहूँगी। जी जरूर बात कीजिए, आपकी आवाज़ सुन रही हूँ अरूज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं समर नकवी बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप? जी मैम, हाँ जी, हम दरअसल पूछना चाह रहे थे कि मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना, तो चीज़ कोफ्ता अगर बनाए तो वो जो है वो टूट जाते हैं, क्या ऐसा कि उसमें इंग्रेडिएंट डाला जाए कि वो टूटे ना? अच्छा सबसे पहली बात तो ये जो बताएंगी वो अलग बात है जी। अभी मैं भी कबाब बना रहा हूँ, मेरे हाथ से भी टूट रहे हैं। ये कितनी मजेदार बात है कि आपकी कॉल आ गई, अब मैं भी सीख लूंगा। जी क्या करना चाहिए बताएं, कबाब टूट रहे हैं हाथ से? तो अगर आप आपके कबाब किसी और वजह से टूट रहे हैं, उनके उनका कोफ्ता प्रॉबेबली इसलिए टूटता है क्योंकि जब वो पैन में जाता होगा तो तब टूटता होगा। अच्छा ये उस दिन आपके याद है कबाब दोबारा टूटे थे, ये इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं, जब वो पक जाते हैं तो वो फिर सिमट जाता है। ठीक है तो बेसिकली अगर मैं इस वाले कबाब को भी मैं छेड़ूंगी तो ये वाला कबाब भी टूट जाएगा। कबाब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, छेड़छाड़ नहीं करें जब तक उसको 5 सेकंड छोड़ दें। अच्छा आपका जो सवाल है बहन वो बहुत आसान है उसका जवाब, और वो ये है कि आप बेसन डालें अपने कोफ्ते के कीमे के अंदर, आप उसके अंदर अगर एग डालें तो आपका कोफ्ता बिखरेगा नहीं। ये मुझसे 2-3 दफ़ा लोगों ने ये सवाल हो चुका है इस रमज़ान के अंदर, बट आई अंडरस्टैंड द स्ट्रगल इज़ रियल। नरगिसी कोफ्ते तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो उनके अंदर तो अगर नरगिसी कोफ्ते बनानी है, किसी भी चीज़ से स्टफ़ कर रही हैं तो फॉर श्योर अपने कोफ्ते का जो मीट है उसके अंदर आप ज़रूर बेसन डालें, ज़रूर अंडा डालें, और थोड़ी सी अगर आप किडनी फैट जो है जो गुर्दे की चर्बी जिसको कहा जाता है वो अगर आप उस कीमे में डाल दें पिसवा के, ऑफ कोर्स उसका भी कीमा बनवा के, तो उससे भी जो है कोफ्ता जो मीट होता अच्छा, है वो चिपका रहता है। ये भाई हम नहीं खेल रहे, हमसे नहीं बन रहा ये टूटे जा रहा है बार बार। नहीं नहीं ये आप बनाएंगी, ये फिर हम खाएंगे सिर्फ। ठीक है और जो चीज़ हो ही नहीं रही उसका नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतने बनाइए एक एक कलाम भी साथ साथ हो जाए। जी जी बिल्कुल आप, हो जाए मेरा बन गया तकरीबन। अच्छा इतने आप बनाइए, हम एक कलाम की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खिजर अब्बास साहब जो कि हमारे फरहान जवारिस टीम के मेंबर भी हैं, हमारे हमनवा भी हैं, हमारे साथ होते हैं। और मैं चाहूँगा कि खिजर आज अपने हमारे साथ आज इतने सारे दिन गुजारे, पूरा महीना ऑलमोस्ट हो गया, तो क्या हम ये सआदत हासिल कर सकते हैं कि आप कोई कलाम सुनाएं, कोई नात हमें सुनाएं और हम सब सुने? पेश कर रहा हूं जी बिस्मिल्लाह। अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, महका हुआ बंजतन से है गुलजार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, ए मौत ठहर जाना मिटाना मुझे लिल्ला, ए मौत ठहर जाना मिटाना मुझे लिल्ला,
जरा देख लूं अनवार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अशकों की गुजारिश सरकार मदीना सदका गमे हुसैन का सुन ली जो दुहाई सदका गमे हुसैन के सुन ली जो दुहाई गम टाल दो जो मेरे हैं गम खार मदीना अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना। ये दुआ का वक्त, ये वो वक्त होता है कि जिस पर अफ्तार के वक्त हम सब दुआ करते हैं, और अफ्तार के वक्त की हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। अफ्तार की तैयारियों ही का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा कबूलियत का था कि जिसमें हमें ज़रूरी था कि हम इसमें अल्लाह से मनाजात करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि आज शेफ उरूज खाना बना रही हैं, ये चावल अल्लाह की नेमत, ये गोश्त अल्लाह की नेमत, ये जो हम खा रहे हैं ये सब अल्लाह की नेमत है। आप सब दुआ ये करें कि अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर दे, हम सबको उस चीज़ का वसीला बना दे कि जो लोग पेट भर के खाना नहीं खा पाते उनको खाना खिलाने का वसीला हमें बना दे। ये दुआ आप ख़ास तौर पर करें, क्योंकि अगर ये दुआ आपकी कबूल हो गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कॉल है कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर खुदा की नेमत। जी शेफ उरूज जी, बन गया? बन गए माशाल्लाह जी। चावल भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चावल में आपने ये किशमिश भी डाली है या जी? ये मैं, मुझे अगेन जरिश डलता है कि इरेनियन बेरी है, वो थोड़ी सी कभी कभी मिल जाती है मार्केट में, इत्तफाक होता है। आज नहीं मिल जाता है जेरिश का, एक्चुअली क्रैनबेरी की टाइप की होती है, अनारदाना और क्रैनबेरी के दरमियान होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है, वो लाल लाल सी नहीं होती जो चावल पे पड़ी होती है। अगर वो ना मिले तो आप मुनक्कर डाल दें। अच्छा, मैं उसको अनारदाना समझता था, लेकिन वो थोड़ा सा सिमिलर है। सिमिलर है। अच्छा, अब इस पे हम जो इसके ऊपर हम एंड पे मक्खन डालेंगे, ठीक है, सही है, और हम इसके अंदर हरा धनिया और मिंट जो है वो डालेंगे। मक्खन ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा जी, ठीक है। इसके ऊपर हम ये चला जाएगा, ये प्याज भी डालेंगे सूखी हुई जी, प्याज भी डालेंगे थोड़ी, और हम इसको फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे ये अपने दम में। प्याज अभी डाल दूं? जी जी जी, सब, लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और आप इसको हम दम पे रख दें, दम पे रख दें। कबाब इसके ऊपर हम सर्व करते हैं जनरली, ठीक है, बहुत सारे बना लिए। कबाब बन गए हैं, चावल दम पे रख गए, तो हम अभी एकदम से जाते हैं और एकदम से वापस आते हैं, क्योंकि अजान मगरिब का वक्त अब होने वाला है, अफ्तार का वक्त होने वाला है। एक मुख्तसर सा वक्फा, आप तब तक वक्फा देखिए और अपनी नमाज की तैयारी कीजिए, अफ्तार की तैयारी कीजिए। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, अफ्तार के दस्तरखान पे आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अजान मगरिब हो चुकी है कराची और उसके मज़ाफात में, अफ्तार का वक्त ही हो गया है। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, जज़ाकअल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। रोज़े का वक्त, अफ्तार का वक्त है, और ज़ाहिर है रोज़ हमारे दरमियान कोई ना कोई बच्चा या बच्ची, नन्हे से फूल हमारे आते हैं और रोज़ादार आते हैं, नन्हे से रोज़ादार आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरे दो नाम हैं। दो नाम है, दो नाम कैसे हो सकते हैं? पहला नाम, पहला नाम है सैयदा कौनैन ज़हरा आब्दी। सैयदा कौनैन ज़हरा आब्दी, और दूसरा नाम क्या है? ये मेरा घर का नाम है। घर का नाम इतना बड़ा सैयदा कौनैन ज़हरा आब्दी, तो फिर जो उस पे स्कूल में क्या नाम है? स्कूल में भी यही नाम है। तो फिर घर पे क्या कहते हैं? कौनैन। कौनैन कहते हैं। दो दो नाम है भाई, वाह कौनैन के। कौनैन और मेरा मेरा
मेरा ये तो मेरा आधा नाम है, है? हाँ ये आधा नाम है, फिर बड़ा वाला नाम क्या होगा? बड़ा नाम है कनिशा। अरे वाह, कौनैन शाह सैयदा, कौनैन आबदी भी नाम है, कौनैन शाह भी नाम है, और घर में कौनैन भी कहते हैं। तो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, सिर्फ कौनैन कहना या कौनैन ज़हरा आबदी कहना या कौनैन शाह कहना पसंद है? क्या पसंद है? कौनैन शाह। तो हम आपको कौनैन शाह बुलाएंगे, ठीक है? आपके फ्रेंड्स भी आपको ये बोलते हैं? कौनैन बोलते हैं। तो आप उनको क्यों नहीं बोलती आपको कौनैन शाह बोले? अच्छा ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? केजी। केजी में, कौन से स्कूल में? बिकन हाउस। बिकन हाउस में, जबरदस्त। अच्छा बिकन हाउस में जब मिलाद होता है, जाहिर है एक दिन होता है ना रबी अव्वल में मिलाद होता है ना, तो वहाँ पर आप कौन सी नात पढ़ती हैं स्कूल में? पार्टिसिपेट करती हैं स्कूल में नात में? हाँ, करती हूँ। करती हो? कोई नात आती है आपको, सुनाएंगे आप? हाँ। सुनाइए। नन्ही परी के छोटे से दिल में रहता है वो जो सबसे बड़ा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह। आंधी तूफान बनाए और वही हमको उनसे बचाए, उसने ही आंधी तूफान बनाए और वही हमको उनसे बचाए, और वही हमको उनसे बचाए। वो कौन है जो मालिक सबका, वो कौन है जो मुश्किल खुशा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह। कितनी जबरदस्त हम सुनाई, ये हम थी कि अल्लाह की तारीफ इसमें की जाए वो होती है हम, और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए वो होती है नाच, और जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ की जाए वो कहलाती है मन कबत। तो आपने क्या पढ़ी है? हम। क्या पढ़ी है? आप भी बचपन में ऐसी पढ़ती थी माम? हाँ शायद, है ना? आप उरुज पढ़ती थी बचपन में? मैं इतनी टोन में नहीं होती थी। हाँ। अच्छा, टोन डेफ हूँ मैं। ट्यून अच्छी। और आप पढ़ती थी? पढ़ती थी। और आप तो जहर है, पैदा ही इस काम के लिए हुए हम लोग तो, कि यही जिक्र करते रहे। बड़ी बात है। मुझसे अक्सर कोई इंटरव्यू में कभी लोग पूछते हैं कि अगर आप नौ खान ना होते, नाथ खान ना होते, तो आप क्या होते? तो मैंने कहा मैं पैदा ही नहीं होता, क्योंकि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो किसी के लिए मकसद से आया है। तो ज़ाहिर है आपको इंसानियत की खिदमत करने के लिए आप डॉक्टर बन के आईं, आपको हमारे सेगमेंट में प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनानी थी, आप इसलिए दुनिया में आई कि बच्चे आपके जरिए कहानी, आपको लोगों को खाना बनाना सिखाना था तो आप इसलिए दुनिया में आई, और ये तो माशाल्लाह इसलिए आई कि इनके चेहरे को देख कर हम मुस्कुराएँ और हम खिलखिलाएँ। माशाल्लाह, इनके लिए दुआएं करें भाई, बहुत सारी दुआएं। आप गिफ्ट जाएगा आपको, ये लीजिए। जी सवाल पूछिए। पहले खा लो, खा लो। आपको ये जाएगा, लाइव बाय हैंड वॉशिंग गेमिंग किट आपके साथ जाएगी। अब सवाल पूछिए, क्या सवाल है? वो कौन सा तकिया है जिस पे हम लोग लेट नहीं सकते, खड़े हो सकते? वो कौन सा तकिया है जिस पे हम लेट नहीं सकते बल्कि खड़े हो सकते हैं? जंपिंग। फिर जंपिंग कैसल जो होता है वो? तकिया कलाम। आप बता दो। हार मानी, हार मानी, हार मानी, हार मानी। पत्थर। पत्थर। पत्थर वो तकिया जिस पे हम जी। एक और सवाल पूछिए। वो कौन सी बोतल है जिसमें हम लोग पानी नहीं डाल सकते, जूस डाल सकते? जूस डाल सकते हैं। जिन डाल सकते हैं। जिन डाल सकते हैं। जूस डाल सकते हैं। अच्छा यार, ये तो बहुत आप मुश्किल। जामे शीरी की बोतल। जामे शीरी की बोतल। हार मानी भाई। पानी नहीं डाल सकते,
जूस डालते थे कौन सी बोतल होती है? बहुत मुश्किल हो रही है। जूस की बोतल। बहुत मुश्किल में डाल। ये तो आपको एक और गिफ्ट ये क्विज की जानिब से एक और गिफ्ट आपको जूस जबरदस्त। क्विज की तरफ से भी गिफ्ट गया, लाइफ बॉय की तरफ से भी गिफ्ट गया, और ये मॉलम टैब जाएगा हुसैन अराई साहब की जानिब से, डैनी की तरफ से। हुसैन अराई साहब के हाथ से जाएगा। नहीं नहीं, ये तो आपका गिफ्ट है, आपने रोजा रखा है तो गिफ्ट आपको जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौनैन शाह आप तशरीफ लाई तो कौनैन शाह के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अपने लिए भी, हमारे लिए भी, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, शेफ उरूज के लिए, माहम आमिर के लिए, डॉक्टर हिना अनीस के लिए, हुसैन नारायण साहब के लिए, और साथ साथ मौलाना आज़ाद जमील साहब के लिए, और हमारी एक्सप्रेस की पूरी टीम के लिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। लेकिन ये जाते जाते हम आपको दिखाते चलें कि जो चुल्लू कबाब आज की रेसिपी थी प्यारा जायका में, ये चुल्लू कबाब आपके सामने है, इसको आप देखिए। और आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं पे आ रहा है, मुझे कहा जा रहा है स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब वो कह रही है आइसक्रीम भी आ रही है, तो आइसक्रीम नहीं आ रही, आइसक्रीम हम खुद जाके खाएंगे अभी। लेकिन बहरहाल ये चुल्लू कबाब है, ये ईरान की बेहतरीन रेसिपी है, और आज शेफ उरूज ने बनाया है कि खानम, क्या कहूँ मैं आपको फारसी में, ये है कूची खानम, मैं खानम खानम। चुमा फारसी बोला दे, फारसी चुमा फारसी ना बोला दे, ओके कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी, इसको पसंद करते हैं। जुम्मतुल विदा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, ये दिन लम्हात की तरह गुजर जाएंगे। गमगीन तो हैं कि आज रमज़ान जा रहा है, लेकिन अल्लाह से नाउमीद ना हो, ये दिन भी गनीमत जानिए। ये जो चार पाँच दिन बचे हैं इसमें अल्लाह की रहमत और बरकतों को समेटिए, अल्लाह को मना लीजिए। अभी भी अल्लाह मान जाता है, जैसे माँ जल्दी मान जाती है, तो माँ जैसे मान जाती है तो अल्लाह करोड़ों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान से फरहान अली वारिस को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल 3 बजे आपके दरमियान दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।